ऑल राइट, गुड इवनिंग एवरीवन। क्या आप लोगों तक तो मेरी आवाज पहुंच रही है बिल्कुल क्लियर? गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हमारे बीच में लगभग 1,000 लोग कंप्लीट होने वाले हैं जूम के ऊपर, ठीक है। बहुत सारे लोग अभी वेटिंग रूम में हैं और धीरे धीरे जूम एक्सेप्ट कर रहे हैं, और जो लोग इस और रूम गुड के अंदर इवनिंग एंटर एवरीवन। ना कर पाए, क्या आप लोगों तक मेरी आवाज? जस्ट अ सेकेंड, हमारा यूट्यूब पे भी लाइव स्ट्रीम हो रहा है, परफेक्ट। तो एक बार मुझे, एक बार चैट बॉक्स में ये बता दो कि क्या मेरी आवाज और मेरी वीडियो क्लियर है आप लोगों के लिए। बिल्कुल आवाज क्लियर आ रही है। एंड दूसरी बात, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो लोग आपके कुछ लोग होंगे वो हो सकता है इस जूम के अंदर एंटर ना कर पाए रूम फुल होने की वजह से, तो उनको आप यूट्यूब का लिंक दे दें, क्योंकि यूट्यूब पे भी पब्लिकली लाइव स्ट्रीम किया जा रहा है, कोई भी इंसान इसको ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। तो आप उनको इन्फॉर्म कर दें कि वो यूट्यूब के थ्रू ज्वाइन कर लें। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। किसी ने बोला सर यू आर ऑसम, क्या बात है, थैंक यू। यस यू आर क्लियरली ऑडिबल, ऑलराइट, थैंक यू सो मच। तो जस्ट 1 मिनट का वेट और मैं कर लेता हूं, और जितने भी लोगों को आप भेजना, क्योंकि ये जो सेशन है ना, ये सेशन और ये टॉपिक मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब है, सच बता रहा हूं। क्योंकि इस एक स्किल की वजह से, पब्लिक स्पीकिंग की वजह से, जो भी चीजें आज पॉसिबल हो पाई है मेरी लाइफ में, वो सिर्फ एक स्किल की वजह से हुई है, दैट इज पब्लिक स्पीकिंग, ठीक है। तो इसके अंदर मैं बहुत डेप्थ की नॉलेज देने वाला हूं आज आपको, और आपका बहुत फायदा हो सकता है अगर इस स्किल के ऊपर आपने मास्टरी हासिल कर दी, ठीक है। आपके बिजनेस के अंदर फायदा हो सकता है, आपके कॉलेज लाइफ के अंदर फायदा हो सकता है, आपकी जॉब के अंदर फायदा हो सकता है, आप किसी भी फील्ड में जाओगे तो झंडा गाड़ दोगे अपना, बहुत फायदा हो सकता है। अगर आपकी तरफ से किसी को भी इन्वाइट करना चाहो आप आज के सेशन के अंदर, तो आप बिल्कुल इन्वाइट कर सकते हो, उनको बता सकते हो, ठीक है। मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 1 मिनट के बाद हम सेशन की शुरुआत कर देंगे। ऑलराइट, परफेक्ट, ऑल सेट। चलिए अब मुझे ये बताइए, कितने लोगों ने आज नोटपैड और पेन रखा हुआ है अपने साथ, एक बार मुझे दिखा सकते हैं? कितने लोगों ने आज नोट करने के लिए चीजें रखी हुई हैं कि हाँ, हमें एक एक चीज जो हम सीखेंगे वो नोट करके जाएंगे? बढ़िया भाई, बहुत सारे लोग दिखा रहे हैं। और जिन्होंने नहीं रखा ना, मैं बता रहा हूं, 1 मिनट का टाइम लगेगा, नोटपैड उठा लो, क्योंकि आई डोंट वॉन्ट यू टू मिस एनी इंफॉर्मेशन। जब तक मेरी जबान चलेगी तब तक आपके हाथ चलने चाहिए, जब तक मेरी जबान चलेगी तब तक आपकी कलम चलनी चाहिए, ऑल राइट। क्योंकि एक मूवी की तरह होने वाला है, मूवी हम देखते हैं ना, मूवी देखने के बाद क्या होता है, हमें सारी मूवी मजेदार लगती है, लेकिन उसके बाद जब हम बाहर निकलते हैं ना, 90% मूवी हमारे दिमाग से निकल जाती है, सिर्फ 10% 5% हमारे दिमाग में रहता है। तो ये भी 1 घंटे की मूवी चलने वाली है, जिसके अंदर बहुत इंफॉर्मेशन तुम्हें मिलेगा, बट अगर तुमने उसको ग्रैब नहीं किया, कहीं पर लिखा नहीं, तो आपके दिमाग से सारी चीजें फ्लश आउट हो जाएंगी कल सुबह तक, ठीक है। और आपको याद है ना, आज आपको चैलेंज मिलने वाला है, इसी सेशन के एंड में आपको एक चैलेंज भी मिलेगा, साथ के साथ मैं एक ऐसा क्वेश्चन पूछूंगा आपसे जिसका जवाब अगर आपने दे दिया, तो आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको हमारी तरफ से गिफ्ट दिया जाएगा कुछ, वो लास्ट में क्वेश्चन पूछूंगा। और अगर आप मेरे साथ काफी टाइम से कनेक्टेड हो, तो आपको पता है जब भी मैं ये बोलता हूँ गिव अवे देने की बात या कोई गिफ्ट देने की बात, तो आपके घर पे वो गिव अवे पहुंचता है, ठीक है। हमारी टीम आपको कनेक्ट करती है और आपको घर पे आपको गिफ्ट मिलता है, ठीक है। तो एंड तक टिकना, सारी इंफॉर्मेशन लेके जाना। लेट्स स्टार्ट, स्टार्ट करें, एक्साइटमेंट है, लेट्स स्टार्ट। परफेक्ट, चैट बॉक्स को कर रहा हूं ओनली मी पे, ताकि डिस्टरबेंस क्रिएट ना हो और आप बिल्कुल सिर्फ मेरे कंटेंट पे ध्यान दें, ठीक है। बाकी यूट्यूब पे भी जितने लोग कनेक्टेड है मेरे साथ, मैं सबको बोलूंगा कि भैया चैटिंग पे ज्यादा ध्यान मत देना। दूसरी बात यह कि इस सेशन का कोई रिपीट टेलीकास्ट नहीं होगा, यूट्यूब पे जितने लोग देख रहे हैं उन सबको मैं बोल रहा हूं, रिपीट टेलीकास्ट नहीं होगा। लाइव अगर किसी को अटेंड करवाना चाहो तो करवा लेना, लाइव जैसे ही खत्म होगा तो उसके बाद 1 दिन के अंदर अंदर, मेरे ख्याल 6-7 घंटे के अंदर अंदर, इसको हम प्राइवेट वीडियो कर देंगे, वीडियो को डिलीट कर देंगे, ठीक है। क्योंकि ये प्रीमियम कंटेंट है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ आज, ठीक है। तो चलिए आप शुरुआत करते हैं फटाफट से, स्क्रीन शेयर करता हूँ एंड वील मूव अहेड विद द कॉन्टेंट। आई होप आप सबको मेरी स्क्रीन दिख रही हो, कितने लोगों को स्क्रीन दिख रही है चैटिंग करके बताओ, चैट बॉक्स पे स्क्रीन बिल्कुल क्लियर क्लियर दिख रही है, सबको दिख रही है। चलिए एक बार यूट्यूब पे चेक कर लूंगा, स्क्रीन दिख रही है कि नहीं दिख रही, क्लियर दिख रही है।
तो यहाँ पे सबसे पहले जानकारी हमें ये चाहिए, सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि व्हाई पब्लिक स्पीकिंग, पब्लिक स्पीकिंग से भैया फायदा क्या क्या है, पब्लिक स्पीकिंग क्यों सीखें। सबसे बड़ी बात, अगर आपने पब्लिक स्पीकिंग सीख ली तो आपके हजारों ऑप्शंस और खुल जाते हैं करियर एडवांसमेंट के। अगर आपको बोलना आता है ना तो आपके बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं मार्केट में, क्योंकि आज 21st सेंचुरी में हम जी रहे हैं, और अगर कहीं से भी पैसा कमाना है, किसी भी प्रोफेशन में पैसा कमाना है, यू नीड टू डील विथ पीपल, लोगों के साथ बात करनी पड़ेगी, ठीक है, लोगों के साथ डील करना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा, तो वहां पे बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटीज आपके लिए खुल जाएंगे अगर आपने पब्लिक स्पीकिंग के पे कमांड हासिल कर ली तो, ठीक है। दूसरी चीज, आपको आपके कॉम्पिटिशन से बिल्कुल अपार्ट कर देता है ये। आप किसी भी फील्ड में हो ना, आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे आसपास के जो आपके कंपिटिटर्स होंगे, बट अगर आपकी पब्लिक स्पीकिंग पे कमांड है, लेट्स सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, एक डांसर है, ठीक है, वो डांसर क्या करता है, डांस करता है, बाकी सारे लोग भी डांस करते हैं, बहुत सारे हजारों लोग हैं जो डांसर हैं, बट अगर एक डांसर ऐसा है जिसने पब्लिक स्पीकिंग सीख ली, तो वो क्या कर सकता है पता है, वो अपना एक कोर्स बना सकता है, डांसिंग का एक कोर्स बना सकता है, और उस कोर्स को मार्केट में सेल आउट कर सकता है। वो उसने अपने कॉम्पिटिशन को खत्म ही कर दिया बिल्कुल। अगर उसको बोलना ही नहीं आएगा तो कोर्स के अंदर क्या बताएगा, अगर उसको बोलना ही नहीं आएगा तो वो कैसे वहां पे प्रूव करेगा कि भाई मेरे कोर्स के अंदर ये दम है और मैं बाकियों से कैसे अच्छा हूं। तो हर फील्ड के अंदर अगर पब्लिक स्पीकिंग आती है तो आपको आपके कंपटीशन को तो मार ही देगा वहां पे, ठीक है। अगर आप एक पब्लिक स्पीकर अच्छे हो तो अगर किसी जॉब के अंदर 1,000 लोग इंटरव्यू देने जा रहे हैं और वहां पे सिर्फ 20 वैकेंसी है, अगर आप एक बढ़िया पब्लिक स्पीकर हो तो वहां पे आप सिलेक्ट किए जाओगे। ऑलराइट, तो आगे बढ़ रहे हैं, पब्लिक स्पीकिंग विल बी चेरी ऑन द केक इन योर लाइफ, अगर आपको आ गई ना तो आप किसी भी फील्ड में झंडा गाड़ सकते हो अपना। सोशल बेनिफिट्स क्या है, ठीक है, सोशल बेनिफिट्स क्या है इसके, पब्लिक स्पीकिंग के पर्सनल और सोशल बेनिफिट्स क्या है, पता है एक साइकोलॉजिकल बात यह है, साइंस कहता है कि एक इंसान जिससे भी आप पहली बार मिलते हो ना, किसी से भी अगर पहली बार मिलते हो तो 3 से 5 सेकंड के अंदर वो जज कर लेता है कि आप कैसे हैं, आपका पर्सनालिटी कैसी है, आप इंसान कैसे हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस कितना है, आप क्या किसी को इंप्रेस कर पाओगे नहीं कर पाओगे। सिर्फ ये आदत होती है हमारी, आपने भी शायद अगर कल पहली बार, शायद बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो कल पहली बार मेरे को जाना होगा जिन्होंने, तो पहले 3 से 5 सेकंड के अंदर इंसान जज कर लेता है कि इस इंसान के अंदर क्या है। अगर आप एक बेहतरीन पब्लिक स्पीकर हो तो आप पहली नजर में ऐसा जादू कर दिया, तेरा बन बैठा है मेरा जिया, वो वाला सीन कर दोगे क्रिएट मार्केट में, अगर आप एक बेहतरीन पब्लिक स्पीकर हैं तो। ये पर्सनल और सोशल बेनिफिट हो गया हमारे पब्लिक स्पीकिंग का। इसके बाद और क्या क्या बेनिफिट्स है भाई, अदर पर्सनल बेनिफिट्स ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हो जाता है, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बहुत बढ़िया हो जाती है, सोशल इन्फ्लुएंस, आपको पता है आपको ना मार्केट में अगर कुछ हो रहा है, कोई इवेंट हो रहा है आसपास, तो आपको एज अ गेस्ट स्पीकर बुलाया जाएगा, इफ यू आर गुड स्पीकर तो आपको अपने कॉलेज के अंदर भी हो सकता है स्टेज मिलना शुरू हो जाए, कोई इवेंट हो रहा है तो आपको बुलाया जाए कि भैया आप बोलो, और वहां पे आप अपना नेटवर्क बड़ा करोगे। और मेरी एक लाइन याद रखना, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ, क्या, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ, जितना बड़ा आपका नेटवर्क है उतनी ही आपकी, हिंदी भाषा में अगर बात की जाए तो, औकात को दर्शाता है। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आपका एक बड़ा भाई है या आपका छोटा भाई है, ठीक है, रात के 11-12 बजे रैश ड्राइविंग करता हुआ पकड़ा गया, पुलिस वालों ने पकड़ लिया, उसको जेल में ठूस दिया, अगर आपके नेटवर्क में कोई ऐसा लड़का है जो कि मान लीजिए इंस्पेक्टर का बेटा है, तो एक कॉल घूमेगी और शायद हो सकता है आप अपने भाई को छुड़वा लो। योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ, जितना बड़ा आपका नेटवर्क उतना बड़ा आपका नेटवर्थ, ठीक है। तो अगर आप एक स्पीकर बनते हो ना, जब आपको स्टेज मिलता है, 100 लोग आपको सुन रहे हैं, तो उसमें वहां पे ना लोग आपको पसंद करने लग जाते हैं, आपकी क्रेडिबिलिटी बनती है मार्केट में, और लोग जब आपको पसंद करते हैं वो आपसे आके हाथ मिलाएंगे, हाथ मिलाएंगे, नंबर एक्सचेंज होगा, और वो बंदा आपके नेटवर्क के अंदर आ गया, कहीं भी यूज आ सकता है, कभी जॉब करनी हो, जॉब दिलवानी हो किसी को, तो वहां पे नेटवर्क ही तो काम करता है, राइट। तो योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। तो ये बहुत सारे यहाँ पे आप और भी चीजें पढ़ सकते हो, ठीक है, पर्सुएशन एबिलिटी बहुत बढ़िया हो जाती है, आप किसी को इन्फ्लुएंस कर सकते हो बहुत आसानी से, ये चीज होती है। अब मेरी पब्लिक स्पीकिंग की जर्नी की शुरुआत हो गई थी आज से 4 साल से ज्यादा हो गए, 4.5 साल पहले मैंने शुरुआत कर दी थी। ये मेरे कॉलेज की फोटो है और ये मैं हूँ, ठीक है, यहाँ पे 4 साढ़े 4 साल पहले मैंने पब्लिक स्पीकिंग जर्नी की शुरुआत करी। कहाँ कहाँ पे किया, कैसे कैसे किया, थोड़ा सा देखते हैं, कुछ वीडियोस आपको देखते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी तक वो मेरा कॉम्पिटिटर था, जितनी मेहनत मैंने करी उतनी मेहनत उसने करी। ये पता है आपको, ये छोटा सा कोचिंग सेंटर था जिसके अंदर बैठने की जगह थी सिर्फ 15 बच्चों की, ठीक है, मैंने वहां पे भी जाके पब्लिक स्पीकिंग करी है। ये सदर बाजार के अंदर, दिल्ली में सदर बाजार, वहां पे एक कोचिंग सेंटर है, वहां का एक वीडियो क्लिप है जो मेरे फोन में रह गया था, तो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कब से शुरुआत करी हुई है। अभी ना, अभी उठूंगा, अभी एक्स्ट्रा एज के लिए वॉक करूंगा, समझे, उसके बाद वो और एक और बात, ये बच्चे जो हैं, ये बच्चे मेरे ख्याल से 7th 8th 9th के बच्चे हैं जिनका कहीं से भी मेरे बिजनेस के अंदर कोई फायदा नहीं था, जस्ट बिकॉज मुझे अपनी पब्लिक स्पीकिंग को बेहतरीन करनी थी, इस वजह से मैंने यहाँ पे
जहां मौका मिलता था वहां मैं जाता था। तो आप देखो इस क्लिप को, मैं था तो सामने वाला इतनी प्रैक्टिस उसने कर ली कि सामने वाला उसको कंप्लीट ठीक है, कर। ये फिर ये क्लिप। क्या आप आज जिस किसी प्रोफेशन के अंदर हैं आर यू हैप्पी विद दैट? नो, मुझे आवाज सुनिए। नो, तो चूज क्यों किया था? तो चूज क्यों किया था भाई? ठीक है, तो द जर्नी बिगेन लॉन्ग अगो, और धीरे 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 मिलने लग गया जो चाहिए था धीरे धीरे। ये भारती कॉलेज की एक वीडियो है जिसके अंदर मैं ऑडियो को ऑफ कर रहा हूँ क्योंकि इस पे गाना लगा हुआ है, कॉपीराइट आ जाएगा। कॉपीराइट की भी दिक्कत नहीं है, बट होता क्या है जैसे यूट्यूब पे कोई गाना चल जाता है ना, अगर लाइव वीडियो चल रही है उस पर गाना चल गया तो फिर वीडियो वहीं पे पॉज हो जाएगी, रुक जाएगी, खराब हो जाएगा लाइव स्ट्रीम। तो मैं गाना बंद कर रहा हूँ, आप देखना कि धीरे 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 कैसे बढ़ता है इंसान। From the pain, taking my message from the vein, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the. यहां पे धीरे 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 ग्रोथ होती है। इसके बाद मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी लाइफ की जर्नी की शुरुआत में ना, सेवेंथ क्लास की बात बता रहा हूँ, सेवेंथ क्लास के अंदर एक बार ये हुआ था कि मेरी टीचर बहुत ज्यादा भरोसा करती थी मेरे पे, बहुत भरोसा करती थी मेरी जो क्लास टीचर थी, तो अंधा भरोसा था। एक बार बार ये आई कि स्कूल के अंदर जो हमारा प्रार्थना बोलते थे, प्रेयर बोलते थे, प्रेयर में कोई स्पीच देनी थी, तो बारी आई कि हमारी क्लास की बारी आई कि इस क्लास से कौन बोलेगा। मैडम ने सीधा मेरा नाम ले दिया कि आशुतोष, पढ़ने में अच्छा था लेकिन उतना ही शैतान भी था। ठीक है, मैडम को भरोसा था और मैडम का भरोसा देख के मेरे को भी भरोसा हो गया। सेवंथ क्लास की बात बता रहा हूँ मैं, मैडम ने बोला आशुतोष बोलेगा, मेरे को लगा ओवर कॉन्फिडेंस, मैंने कहा शायद बोल दूंगा मैं। ठीक है, मेरे को वो मिल गया रट्टा मारने के लिए, मैंने रट्टा मारा नहीं और मैं चला गया, मैंने कहा ठीक है कर लेंगे। जब मैं स्टेज पे खड़ा था ना, कम से कम नहीं तो 500-600 बंदे होंगे जो नीचे ग्राउंड में खड़े होंगे, और पहली बार जब मैंने माइक में बोला हेलो, अब हेलो बोलने के बाद होता क्या है, माइक से आवाज जाती है और 2 सेकंड के बाद माइक से आवाज आपके कानों में पहुंचती है। ठीक है, तो वो पहली बार मैंने जिंदगी में हेलो बोला था और मैं इतना कांपने लग गया था। जो बंदे स्कूल से मेरे साथ कनेक्टेड है ना, वो एग्जैक्टली उनको याद होगा, मेरे साथ बहुत सारे मेरे लोग हैं, आकाश पांडे हैं, ध्रुव सचदेवा है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे को स्कूल से जानते हैं। तो वो मोमेंट था, उस मोमेंट पे या तो मेरे को डिसाइड करना था कि मैं जिंदगी में कभी पब्लिक स्पीकिंग को हाथ नहीं लगाऊंगा। ठीक है, हेलो बोला और उसके बाद थैंक यू बोल के सीधा वापस पूरे स्कूल के आगे बेइज्जती कराई थी। ठीक है, वो मोमेंट था, या तो पब्लिक स्पीकिंग को छोड़ सकता था और या फिर पब्लिक स्पीकिंग में इतने सारे अलग अलग न्यूज़पेपर्स के अंदर फीचर किया गया, अभी तक मिड डे ने फीचर किया, आउटलुक ने फीचर किया, बिजनेस स्टैंडर्ड ने फीचर किया, न्यूज ट्रैक ने फीचर किया, टाइम्स बुलेटिन के अंदर। आप मेरा नाम गूगल पे डालेंगे और गूगल पे डालने के बाद आप न्यूज सेक्शन पे टैप करेंगे और वहां पे आपको सारे जो ये है ना आर्टिकल्स हैं, न्यूज आर्टिकल्स जहां जहां फीचर किया गया आशुतोष प्रति, उसको आपको दिख जाएगा। अब आते हैं मेन कंटेंट के ऊपर, अगर मैं कर सकता हूं तो शायद आप भी कर सकते हो। अगर मैं ये चीज कर सकता हूं और पब्लिक स्पीकिंग को सीखने के बाद उसको मोनेटाइज कर सकता हूं, अलग अलग सोर्सेज से पैसा कमा सकता हूं, तो क्या आप कर सकते हो? 100% कर सकते हो भाई। तो हमें ये समझना है कि हमें डर क्यों लगता है, कितने लोग समझना चाहते हैं कि व्हाई डू वी हैव द फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। हमें लोगों के आगे बात करने में, जैसे अभी जूम पूरा फुल है, यूट्यूब के ऊपर भी बहुत सारे लोग हमारे साथ, 1500 से ज्यादा लोग यूट्यूब के ऊपर कनेक्टेड है, टोटल मिला के देख लो आप 2600 से ज्यादा लोग हो गए। ठीक है, मुझे डर नहीं लग रहा, मैं बहुत नॉर्मली बात कर रहा हूँ, बहुत ईज में बात कर रहा हूँ। फिर क्यों ऐसा होता है कि कुछ लोगों के आगे अगर 200 लोग भी आ गए तो वो बहुत ज्यादा घबराने लग जाते हैं, और ऑनलाइन तो चलो फिर भी चल जाएगा लेकिन अगर ऑफलाइन आ गए ना, सामने आ गए स्टेज के ऊपर, तो बहुत ज्यादा डर लगता है, ऐसा क्यों होता है? अगर आपने मेरी सबकॉन्शियस माइंड वाली ट्रेनिंग ली हो, लास्ट इंटर्नशिप के अंदर सबकॉन्शियस माइंड वाली ट्रेनिंग हुई थी, ठीक है, अगर आपने वो लिया हो या फिर यूट्यूब के ऊपर एक बार लाइव हुआ था, तो आपको पता होगा कि सबकॉन्शियस माइंड की वजह से ही ये सारा गेम होता है। हमारे दिमाग की एक प्रोग्रामिंग करी गई है बचपन से, जिसकी वजह से हमें पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है। माइंड की प्रोग्रामिंग क्या करी गई है पता है? कितने लोगों ने बचपन में सुना है कि भाई अनजान लोगों से बात नहीं करनी, अनजान लोगों से जिंदगी में कभी बात नहीं करनी, रिजल्ट करके बताओ, कभी बात नहीं करनी। वो आएगा आपको बहलाएगा, फुसलाएगा, चॉकलेट खिलाएगा, बिस्किट खिलाएगा, आपको रुमाल सुंघा देगा, चॉकलेट बिस्कुट के अंदर नशे दे देगा और आपको किडनैप कर लेगा। कितने लोगों ने सुना है? ये बहुत बुरे होते हैं, अनजान लोग बहुत बुरे होते हैं, बहुत घटिया होते हैं, वो आपको बहला फुसला के बर्बाद कर देंगे। बच्चे सुना है? सुना है? हाँ, यहाँ पे करीब करीब 600 लोगों का हैंड रेज आ गया कि सुना है। पता है क्या है,
हम जब मार्केट में उतरते हैं ना, ये बातें हमारे दिमाग में बहुत बचपन में फीड करके दी गई। अब जब हम मार्केट में उतरते हैं, हमें जॉब चाहिए, हमें इंटरव्यू देना है, ठीक है, तो हमें अनजान बंदे से ही मिलना पड़ेगा, हमें कुछ भी करना है, हमें क्लाइंट से बात करनी है, हमें सेल्स निकालनी है, हमें कोई सामान बेचना है, हमें कुछ भी करना है, हमें अनजान लोगों की ही जरूरत पड़ती है। मार्केट में उतरोगे तो अनजान लोग, कॉलेज जाओगे तो दोस्त मिलेंगे अनजान लोग, तो वहां पे हमारे दिमाग में तो भर दिया गया बचपन में कि भैया अनजान लोग तो ऐसे होते हैं वैसे होते हैं। और याद रखना, जिंदगी में तुम्हें कुछ भी चाहिए वो मिलेगा तुम्हें अनजान लोगों से ही, ठीक है। ये 21st सेंचुरी, और 21st सेंचुरी के अंदर अगर आप पैसा कमाना चाहते हो, कितने लोग पैसा कमाना चाहते हैं, हर इंसान, एवरीवन, कल मैंने क्लियर किया था ये चीज कि हर इंसान पैसा कमाना चाहता है। अगर आप पैसा कमाना चाहते हो तो मेरे को बताओ पैसा आता कहां से है। अगर आपको चाहिए कि 1 लाख रुपए महीना कमाऊं मैं, तो वो 1 लाख रुपए अभी कहां है, लोगों की जेब में। कोई भी बिजनेस हो, किन से पैसा कमाता है, मैकडॉनल्ड किन से पैसा कमाता है, भाई लोगों से पैसा कमाता है, लोग बर्गर खाएंगे तभी तो पैसा आएगा। तो आज की मार्केट में क्या है, पब्लिक से डील करना आना चाहिए, और पब्लिक से डील करने के लिए आपको पब्लिक स्पीकिंग सीखनी पड़ेगी। पब्लिक स्पीकिंग का मतलब ये नहीं होता कि हजारों लोगों में बात करना है, एक बंदे से भी कैसे आप इफेक्टिवली कम्युनिकेट करते हो, दैट इज ऑल्सो पब्लिक स्पीकिंग, राइट। तो माइंड प्रोग्रामिंग को थोड़ा सा हमें सही करना है, ठीक है। माइंड प्रोग्रामिंग जो भी हुई है उसको बदलना पड़ेगा। अब सीखते हैं जरा कि कैसे हम स्टेज फियर को ओवरकम कर सकते हैं। अगर आपके अंदर स्टेज फियर है तो कैसे आप इसको ओवरकम कर सकते हो, पहला पॉइंट लिख लेना, पॉइंट्स लिखते रहो। पहला पॉइंट है अप्लाई हॉर्स सेंस। हॉर्स सेंस क्या होता है, अगर आप कभी ट्रेन में ट्रैवल करोगे ना, जैसे मैं अगर ट्रेन में ट्रैवल करता था जब पहले, तो उस टाइम पे आपको देखने को मिलेगा कि ट्रेन चल रही है, चल रही है, अचानक आपको दिखेगा कोई मवेशी, गाय भैंस या कोई घोड़ा हो गया, ठीक है। अगर उसने अचानक से ट्रेन को देखा तो वो पागल सा हो जाता है, हिनहिनाने लगता है, दोनों पैर उठा के ऐसे बावला हो जाता है वो, ठीक है, अगर उसने पहली बार देखा हो तो, ठीक है। लेकिन वहीं पे कुछ लोग ऐसे होंगे, कुछ मवेशी ऐसे होंगे, कुछ गाय भैंस या घोड़ा ऐसा होगा जो अगर चारा खा रहा है ना, मुंडी नीचे करके चारा खा रहा है, तो उसको फर्क भी नहीं पड़ेगा, ऊपर उठा के देखेगा भी नहीं, ट्रेन आई गई, तेरे जैसे बहुत देखे, ऐसा हिसाब होता है। ऐसा क्यों होता है कि कुछ मवेशी बिल्कुल पागल हो जाते हैं और कुछ मवेशियों को फर्क ही नहीं पड़ता, आई गई, अपने को फर्क नहीं पड़ता, क्यों? इसके पीछे का सिंपल सा कारण है कि जो पागल हो जाती है ना, जो दोनों पैर उठा के हिनहिनाने लगते हैं, उन्होंने शायद पहली बार ऐसा कोई भारी भरकम सा कैरियज देखा होता है, ऐसा कोई भारी भरकम सी रेल देखी होती है, तो उनका दिमाग खराब हो जाता है कि ऐसा क्या है, ये क्या है, ये चुक 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 क्या चल रहा है, ठीक है। लेकिन जो दूसरे वाले होते हैं उनका शायद घर ही वही होता है, जो देखते भी ना, जो भाव भी नहीं देते, तेरे जैसे बहुत देखे, छत्तीस आए छत्तीस गए, ऐसा वाला, उनका शायद घर ही वहीं पे है, वो डेली देखती है, दिन दोपहर शाम रात हर टाइम ऐसे ऐसे ट्रेन बहुत देखे, तो उनको फर्क नहीं पड़ता। तो आपको क्या करना है, अगर आपको स्टेज फियर को ओवरकम करना है, तो सबसे बड़ा पॉइंट है तुम्हें अप्लाई करना पड़ेगा हॉर्स सेंस को। मतलब तुम्हें अनगिनत बार जहां मौका मिलता है बोलने का, बोलना पड़ेगा, जहां मौका मिलता है ग्रैब करना पड़ेगा, तब धीरे 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 ये चीज तुम्हारे अंदर से चली जाएगी। दूसरी बात, अ कोल्ड प्लंज। कोल्ड प्लंज का मतलब क्या है, एक बार बताओ, अगर आपको स्विमिंग सीखनी है, क्या सीखनी है, स्विमिंग सीखनी है, तो स्विमिंग सीखने के लिए अगर आप 1 लाख रुपए का कोई कोर्स ले लेते हो, ठीक है, 5 लाख रुपए की कोई किताब ले लेते, वैसे किताब आएगी नहीं 5 लाख की, लेकिन मान के चलते 25 लाख की किताब है भाई, 25 लाख की किताब ले ली, 50 लाख का कोर्स ले लिया, सब कुछ हमने पढ़ लिया, क्या स्विमिंग आ जाएगी क्या? यस नो, स्विमिंग आ जाएगी अपने को, हमने कोर्स भी ले लिया भाई, इतना महंगा खर्चा किया है, हमने किताब भी ले ली, ठीक है, हमने ट्रेनर भी हायर कर लिया, स्विमिंग आ जाएगी अपने को, यस नो? चैटिंग नो, उसके लिए अपने को स्विमिंग पूल में उतरना पड़ेगा, उतरेंगे, थोड़ा बहुत पानी नाक में जाएगा, थोड़ा सर दुखेगा, थोड़ा आंखें दर्द होंगी, ठीक है, थोड़ी उल्टी होगी कभी, थोड़ा पेट में दर्द होगा, थोड़े मसल्स वसल्स बन, थोड़ी मेहनत होगी, तब जाके होता है भाई, स्विमिंग आती है। सेम यही चीज है, आपको अगर पब्लिक स्पीकिंग सीखनी है तो सिर्फ कोर्स लेने से, वेबिनार अटेंड करने से नहीं हो पाएगा, आपको वो करना पड़ता है, और वो मैं करवाऊंगा आज लास्ट में, जो चैलेंज देने वाला हूं ना, याद रखना, उसमें करवाने वाला हूँ आप लोगों से, बकायदा करवाऊंगा ये चीज, और स्टेज फियर हमेशा के लिए निकल जाएगा, कैमरा फियर, स्टेज फियर सब निकल जाएगा, राइट। एक कोल्ड प्लंज का ये भी मतलब होता है, जैसे ठंड का महीना आ चुका है, ठीक है, अब इस ठंड के महीने में अगर आपको सामने एकदम ठंडा पानी है, आपको नहाना है, कम से कम 10 मिनट तक तो सोचता रहता ना बंदा कि नहाऊं ना, ठंडा पानी, वैसे तो गीजर वीजर चला लेते हो गए, हम भी चला लेते हैं, लेकिन ठंडे पानी से अगर नहाना है तो क्या हालत होती है, नहाऊं ना नहाऊं। लेकिन एक बार आपने पानी डाल दिया या एक बार शावर ऑन कर दिया, तो उसके बाद आपकी बॉडी जो है एडजस्ट कर लेती है। अगर गंगा मैया में डुबकी लगाने जाओगे, गर्मी में भी जाओगे, तो पैर रखते ही बहुत ठंडा लगता है, बट एक बार अगर आप अंदर चले गए तो फिर आपकी बॉडी जो है एडजस्ट कर लेती है। सेम है पब्लिक स्पीकिंग के साथ, शुरुआत में डर लगेगा, बहुत डर लगेगा, बट एक बार आप कंफर्टेबल हो गए उस चीज के लिए, तो आपके लिए बहुत मक्खन की तरह हो जाएगा वो, आपको पता ही नहीं लगेगा। तीसरी चीज, एब्जॉर्ब योर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ग्रैब करके रखना है।
घोड़े की नाद लगती है ना, जब घोड़े की नाद जो पैर होते हैं ना उसके, घोड़ा पहाड़ों पे कैसे चल पाता है, उसके पैरों से थोड़ी चलता है, पैरों के नीचे लोहे का एक लगाया जाता है जिसको घोड़े की नाद बोली जाती है, ठीक है। तो जब घोड़े की नाद घोड़े के पैर से लगाई जाती है उस टाइम पे उसे बड़ा दर्द होता है। तो दर्द जब होता है तो उसका मालिक क्या करता है पता है, उस दर्द से उसका ध्यान हटाने के लिए उसकी नाक में एक रस्सा डालता है और रस्सा डाल के उस रस्से को खींचने लग जाता है ताकि उसका पूरा ध्यान जो है वो नाक के दर्द पे आ जाए, तो पैर में जो वो चुभाया जा रहा है ना उसका दर्द उसको ना हो, ठीक है। सेम यही चीज इस कंसेप्ट से सोचो कि अगर आपके पास आपका सब्जेक्ट है बोलने के लिए, जिस चीज के ऊपर आप बोलने वाले हो, अगर उस पे फोकस है ना, तो फिर आपका ये ध्यान नहीं रहेगा कि मेरे कोट को क्या, मेरी कोट पे सिलवटें आ रही है नहीं आ रही है, भाई मेरी शर्ट अच्छी है, क्रीच पक्की है, ठीक है, मैं बोल जो रहा हूँ सामने वाला मेरे को जज तो नहीं कर रहा, वो मेरे पे हंसेगा तो नहीं, वो मुझे रिजेक्ट तो नहीं कर देगा, ठीक है, वो मेरा भला बुरा तो नहीं बोल रहा, गाली तो नहीं बक रहा मुझे, इन चीजों पर तुम्हारा ध्यान जाएगा ही नहीं, बिकॉज यू हैव ऑब्जर्व एब्जॉर्ब योर सब्जेक्ट, आपका पूरा ध्यान आपके सब्जेक्ट के ऊपर है। सेम यही चीज। एंड लास्ट में हैव समथिंग टू से, आपके पास अगर कुछ है ही नहीं तो आप करोगे क्या, बोलोगे क्या, एक बात बताओ, आपको बहुत डर लगता है, बहुत ज्यादा डर लगता है आपको अपने ऑडियंस से, आपको लोगों से बहुत डर लगता है, बट मान के चलो उस हॉल के अंदर, उस ऑडिटोरियम के अंदर अगर आग लग जाती है, किसी ऑडिटोरियम में, किसी हॉल में हो आप, वहां पे आग लग गई, तो क्या आपको डर लगेगा कि भाग क्या होगे ना स्टेज पे, स्टेज पे आके बोलोगे कि भाई इधर से निकलना है, उधर से निकलना है, रास्ता बताओगे लोगों को, क्या उस टाइम पे आप ये सोचोगे कि भाई ये सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचेगा, मैं सही दिख रहा हूं कि नहीं दिख रहा, मेरे बाल सही लग रहे हैं नहीं लग रहे, अरे यार मेरे नाक पे ये जो तिल है, कुछ भी आप उल्टा पुल्टा कुछ भी सोचोगे, बिकॉज यू हैव समथिंग टू से। सिमिलरली अगर आपके पास कुछ है बोलने के लिए तो आप फिर वहां पे स्टेज फियर करोगे ही नहीं। ज्यादातर लोगों के साथ यही होता है कि दे हैव नॉट प्रिपेयर्ड एनीथिंग टू स्पीक, उनको पता ही नहीं बोलना क्या है, इस वजह से उनको डर लगता है, ठीक है। चार पॉइंट्स तो ये हो गए। इसके बाद एज्यूम मास्टरी ओवर योर ऑडियंस, इस बात को ध्यान से समझना, अगर आप स्टेज के ऊपर हो या अगर आप कहीं पे भी बोल रहे हो तो इसका मतलब है कि आप वहां पे डिजर्व करते हो, तभी आप उन लोगों के आगे सामने खड़े हो, ठीक है, आप उनसे बेटर हो तभी आप उनको कुछ सिखा रहे हो, इस बात को ध्यान रखना। और एक और इंपॉर्टेंट बात है, पता है क्या होता है, कभी भी कोई इंसान अगर आपको सुन रहा है ना तो आपका ऑडियंस चाहता है कि आप जीतो। अगर अभी की मैं बात करूं, अभी 1,000 लोग मेरे साथ यहाँ पे हैं और बहुत सारे लोग हमारे साथ यूट्यूब के ऊपर है, ठीक है, जूम के ऊपर भी 1,000 लोग हैं, एंड इतने सारे जो लोग हमारे साथ कनेक्टेड है, आप क्या चाहते हो कि मैं हार जाऊं, मैं वो चीजें ना बता पाऊं, मैं झिझकूं, मैं हेजिटेट होके इस वेबिनार को खत्म कर दूं, या फिर जो मैं आपको समझाना चाहता हूं वो मैं पूरी तरीके से डिलीवर कर पाऊं, आप क्या चाहते हो, मेरी जीत चाहते हो, मेरी हार चाहते हो? ऑडियंस हमेशा आपकी जीत चाहती है, याद रखना, ऑडियंस हमेशा चाहती है कि आप जीतो, आप जो डिलीवर करने आए हो वो डिलीवर करो। तो जब वो चाहती है, ठीक है, उसका टाइम एनर्जी, अगर पेड वर्कशॉप है तो पैसा भी लगा हुआ है, तो वो चाहती है कि आप जीतो। तो आपको ये समझना है ना कि यू एज्यूम मास्टरी ओवर योर ऑडियंस, वो भी चाहते हैं कि आप जीतो, ठीक है, कोई भी आपका मजाक उड़ाने के लिए नहीं आया। सेकेंडली, अगर आप वहां पे खड़े हो तो यू डिजर्व टू बी देयर, दैट्स वाई यू आर देयर, ठीक है। तो आपको एज्यूम करना है मास्टरी, एंड ये सेल्फ कॉन्फिडेंस वाली बात है, पता है ये सेल्फ कॉन्फिडेंस वाली बात है। अगर आप अपने आप को एक बार बोलो ना, आई एम द बेस्ट, एक बार बोल के देखना, अभी बोल के देखो, आई एम द बेस्ट, ऐसे फील करो एक बार, आई एम द बेस्ट, तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस देगा ना ये एक सिंपल लाइन, तुम अपने आप जीत जाओगे दुनिया। ये बहुत जरूरी है। अगला पॉइंट ये अपना ऑटो सजेशन, जब कभी भी घबराहट फील होता है, जब कभी भी डर लगता है, अपने आप को बस एक बार बोला करो, आई एम द बेस्ट, मैं सबसे बढ़िया हूं, आई एम द बेस्ट। और ये जो चीज है ना, ये तुम्हें अंदर से बूस्ट देगी, तुम्हारा कॉन्फिडेंस वहां पे बूस्ट अप होता है, ठीक है। तो आई एम द बेस्ट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। थर्डली, मेंटल रिहर्सल टेक्निक, MRT, मेंटल रिहर्सल टेक्निक। ये क्या होता है पता है, हर एक स्पोर्ट्स पर्सन, हर एक बंदा, चाहे वो क्रिकेट खेलता हो, चाहे वो फुटबॉल खेलता हो, चाहे वो वॉलीबॉल खेलता हो, बैडमिंटन खेलता हो, कुछ भी, स्पोर्ट्स पर्सन इस मेंटल रिहर्सल टेक्निक को बहुत यूज करते हैं। ये होता क्या है, जैसे मान लीजिए आपको परसों परफॉर्म करना है, स्टेज के ऊपर परफॉर्म करना है, या फिर कोई वेबिनार लेना है, या फिर कोई प्रेजेंटेशन देनी है, क्लास के अंदर देनी है, कॉलेज के अंदर देनी है, कुछ भी है, तो आपको ना 2 दिन पहले या 1 दिन पहले रात को बैठ के बस अपने आंखों के आगे इमेजिन करना है कि मैं किस तरीके से बोल रहा हूं। आंख बंद करके बस इमेजिन करो, रूम को बंद कर लो, कमरे को बंद कर लो, लाइट्स बंद कर लो, एंड जस्ट क्लोज योर आईज एंड इमेजिन हाउ यू आर स्पीकिंग, आप कैसे कैसे बोल रहे हो, आपके बोलने में कितनी फ्लुएंसी है, और लोग किस तरीके से स्पेल बाउंड होकर आपको सुन रहे हैं, लोग तालियां बजा रहे हैं, लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। जब आपने अपने दिमाग को ये इमेज दे दी ना, इसके पीछे की साइंटिफिक रीजन बताता हूं, जब आपने अपने दिमाग को ऐसा विजन दे दिया, एक पिक्चर दे दी कि इस तरीके से होगा,
दिमाग न्यूरल पाथवेज क्रिएट कर देता है, न्यूरल पाथवेज क्रिएट कर देता है हमारा दिमाग, ठीक है, और दिमाग के पास एक क्लियर पिक्चर होती है कि कैसा चाहिए। और जब आप एक्चुअली वहां पे होते हैं, अब इसको डिटेल में हम कभी और समझेंगे जब सबकॉन्शियस माइंड का हमारा ट्रेनिंग होगा तो उसके अंदर हम समझेंगे, ठीक है, पर जब दिमाग के पास एक क्लियर पिक्चर है कि ऐसा है, तो उस दिन जब एक्चुअल में आप परफॉर्म कर रहे होगे तो आपकी बॉडी से वो सारी हरकतें आपका दिमाग कराएगा, ठीक है, आपकी बॉडी से, आपके हाथ से, आपके पैर से, आपका दिमाग भी तो कंट्रोल करता है ना, दिमाग के पास एक क्लियर पिक्चर है कि कैसा आउटकम चाहिए, तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली वैसी वैसी चीजें करवाएगा आपसे, आपकी जुबान से वैसी वैसी बातें निकलवाएगा जिससे वही रिजल्ट निकले जिस रिजल्ट की आपको जरूरत है, जो रिजल्ट आपको चाहिए। क्लियर? चौथा पॉइंट है फिजिकल एक्सरसाइज। कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर हो, कोई भी बढ़िया ट्रेनर हो, कोई भी तगड़ा इंसान हो ना जो लोगों को इन्फ्लुएंस करना जानता है, उनकी एक सीक्रेट बता रहा हूं मैं, वो परफॉर्म करने से पहले कई बार मोटिवेशनल म्यूजिक सुनते हैं, रॉक म्यूजिक सुनते हैं, ताड़ ताड़ वो वाला जो एकदम पंप अप करने वाला इंस्पिरेशनल साउंड होता है ना, वो साउंड सुनते हैं लोग। कई सारे लोगों को मैं ऐसे भी जानता हूं जो लोग फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, परफॉर्म करने से पहले पुशअप्स मारते हैं, इससे क्या होता है एनर्जी बूस्टअप होती है। जब एनर्जी बूस्टअप होती है तो भैया तुम्हें कॉन्फिडेंस कहां से छीनेगा कोई। तो ये सारे टेक्निक्स है जिनसे आप अपने कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हो। अब एक और चीज है, स्टेज फियर को ओवरकम करने का एक बहुत जबरदस्त रास्ता, अपने पास नोट्स रखिए। नोट्स का मतलब है कि की पॉइंट्स रखो ताकि छूटे ना कुछ भी, की पॉइंट्स रखना ताकि कोई भी चीज छूटे ना, और अगर आप कहीं भूले भटके कोई चीज भूल जाते हो तो आप एक बार रेफर करो, पढ़ना नहीं है, रेफर करना है कि कौन से पॉइंट से आप भूले हो और वहां से आप कंटिन्यू कर सकते हो, उस चीज को नोट्स अपने पास रखा करो। दूसरी बात, स्टार्टिंग के कुछ टिप्स दे रहा हूं, अगर कभी भी आप अपनी स्पीच को स्टार्ट करते हो तो दो टिप्स दे रहा हूं। पहली चीज तो ये, कभी भी अपोलॉजी से शुरू नहीं करना है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि अरे सॉरी सॉरी मैं बहुत ज्यादा लेट हो गया, अरे सॉरी सॉरी मैं तो आज कुछ प्रिपेयर करके ही नहीं आया हूं, मैं तो ऐसे ही आया हूं। नेवर एवर डू दैट। आप अपनी क्रेडिबिलिटी को खत्म कर देते हो वहीं पे। आपने पहले ही बता दिया कि आप कुछ प्रिपेयर करके नहीं आया, आप अपोलोजाइज नहीं करके शुरुआत नहीं कर सकते, आपको सीधा शुरुआत करनी है, ठीक है। अगर वैसे तो जरूरत भी नहीं है, अगर जरूरत है भी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, फिर भी मत करो, आपको स्टार्ट करना है सीधा क्योंकि ऑडियंस देख रही है आपको वहां पे। तो नेवर एवर स्टार्ट विद अपोलॉजी एंड नेवर एवर से कि मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूं, मैंने कुछ ऐसा सोच के नहीं आया था, मैं सीधा बोलने वाला हूं, आपकी क्रेडिबिलिटी वहां खत्म हो जाती है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अब कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए और भी क्या क्या चीजें हैं जिससे आप कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हो, फेक इट टिल यू मेक इट एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इसका। फेक इट टिल यू मेक इट का मतलब सिंपल सा होता है कि जितने आप कॉन्फिडेंट हो उससे 10 गुना ज्यादा कॉन्फिडेंट आपको अपीयर करना पड़ेगा खुद को। यू विल हैव टू अपीयर वे मोर कॉन्फिडेंट देन यू आर एक्चुअली। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? इस दुनिया में कोई भी चीज 3 बार बनती है, ये मैं हमेशा अपने सेशंस के अंदर बोलता हूं। कोई भी चीज, जैसे ये एयरपॉड है, ठीक है, ये 3 बार बना है। आपको लग रहा होगा 1 बार बना, मैं कहूंगा 3 बार बना है। ये फोन है, ये 3 बार बना है। इस लैपटॉप पे मैं वो ले रहा हूँ, वेबिनार ले रहा हूँ, 3 बार बना है। ये हमारा ग्लास है, 3 बार बना है, ठीक है। ये गमला है, 3 बार बना है। ये पीछे ये है, 3 बार बना है। कैसे पता है? 3 बार बना है। ताजमहल है, 3 बार बना है। घर है, 3 बार बना है। ऑफिस है, 3 बार बना है। कैसे? पहली बार बनता है आपके दिमाग में। कोई भी चीज है इस दुनिया में, पहली बार वो चीज दिमाग में आती है, उसके बाद वो पेन पेपर पे उसका डिजाइन आता है, उसके बाद वो चीज रियलिटी में आती है। बात समझ रहे हो? तो अगर आपको कॉन्फिडेंट बनना है तो पहले तो आपको अपने दिमाग के अंदर कॉन्फिडेंट बनना पड़ेगा कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं। फेक इट टिल यू मेक इट। एंड एक्चुअली एक टाइम ऐसा आएगा जब आप बहुत कॉन्फिडेंट हो जाओगे, ठीक है, एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ ये चीज। दूसरा पॉइंट, सक्सेस इज 80% माइंडसेट, 20% स्किल सेट। स्किल सेट बहुत लोगों के अंदर है, माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है। और ये बाकी चीजें आप पढ़ सकते हो यहाँ पे। पॉजिटिव एटीट्यूड जरूरी है, माइंड ट्यूनिंग बहुत जरूरी है, विजुअलाइजेशन जो कि मैंने बता दिया, मेंटल रिहर्सल टेक्निक, क्लैरिटी होनी जरूरी है क्योंकि लोगों के पास ये दिमाग जो होता है ना, ये बंदर होता है, इतने सारे थॉट्स आते रहते हैं। तो जब आप पब्लिक स्पीकिंग करने जाते हो ना, तो आपको लगता है ये भी बता देता हूँ। जो बिजनेस के अंदर भी लोग हैं उनको भी मैं बोलूंगा, इतनी सारी चीजें पता होती हैं कि उनको लगता है ये भी बता देता हूँ, सब कुछ बता देता हूँ, और फिर वो क्या करते हैं, कचरा करके आ जाता है सारी चीजों का। तो आपको क्या करना है ना, आपको एक क्लैरिटी रखनी है कि मुझे क्या बोलना है, कितना बोलना है, तोल मोल के एकदम क्लियर सब्जेक्ट पे रहोगे। और ये कब आएगा? ये आएगा आपका प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जो हमारा 3P है ना यहाँ पे, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का एक छोटा सा स्टेप ये भी है, डीप ब्रीदिंग। जब आप बहुत ज्यादा डरे हुए हो, आपकी बारी आने वाली है और आपको बहुत ज्यादा डर लग रहा है, एक बार अभी करके देखो, चलो लाइव करके देखो एक बार। अंदर से एनर्जी आती है,
अगर आप ये चीज करोगे ना तो डीप ब्रीदिंग में अंदर से एनर्जी आएगी, ठीक है, रिलैक्स। एंड 3A का मतलब है एक्ट, एनालाइज, एक्ट, ठीक है, एक्ट करो, करो एनालाइज करो कि क्या किया, और उसके बाद दोबारा से एक्ट करो, अपने आप आपकी चीजें बेहतरीन होती जाएंगी। अब इस पूरे वेबिनार का सबसे इंपॉर्टेंट जो स्लाइड है वो ये वाला स्लाइड है, इसके ऊपर सब कुछ है। इस स्लाइड को बड़े ध्यान से समझना। सबसे पहली बात तो यहां पे लिखा हुआ है नो योर ऑडियंस। आप जब कभी भी बात करने वाले हो तो आपको पता होना चाहिए कि आप किन लोगों के आगे बात करने वाले हो। आप अगर स्टूडेंट्स के बीच में बात करने वाले हो तो आपका स्पीच जो है वो उस तरह का होना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स जो होते हैं रेबेलियस होते हैं, एनर्जी होती है उनके अंदर बहुत ज्यादा, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, इंस्पिरेशन ढूंढते रहते हैं, ठीक है, कई बार आर्ग्यू भी करते हैं, ठीक है, आपकी बात इतनी आसानी से नहीं मानेंगे। स्टूडेंट्स की कैटेगरी ऐसी होती है, ठीक है, यंगस्टर्स की कैटेगरी ऐसी होती है, बट जो थोड़े से बड़े लोग होते हैं, मैच्योर लोग होते हैं, वो आपके साथ आर्ग्यू नहीं करते, वो आपके साथ डिस्कशन करते हैं, वो आपके साथ बात करते हैं, वो आपके साथ तर्क वितर्क करते हैं, समझ रहे हो। लेकिन जो फिर अधेड़ उम्र के होते हैं, थोड़े से 50-60-70 साल के, ठीक है, उनको फिर वैल्यूज के ऊपर बात करना पसंद है, ठीक है, उनको फिर स्पिरिचुअलिटी के ऊपर बात करना पसंद है, उनका अलग, उनके लिए हमें अलग से कंटेंट डिजाइन करना पड़ेगा, उनके लिए वैल्यूज, स्टोरीज, ठीक है, माइथोलॉजीज, इनके ऊपर अगर बात करेंगे तो वो ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे। अगर वो वाले सेक्टर से बात जो हमें करनी है वो बातें हम स्टूडेंट्स के साथ करने लग जाए तो स्टूडेंट आपकी बात पे ध्यान देगा? बिल्कुल भी नहीं देगा। तो नो योर ऑडियंस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट ब्रो। किनके बीच में बात कर रहे हो? IITians के बीच में बात कर रहे हो तो IITians वाले एग्जांपल लेके आने पड़ेंगे, इंजीनियरिंग से रिलेटेड एग्जांपल्स लेके आने पड़ेंगे, स्टोरीज लेके आनी पड़ेंगी। अब वो सेम बातें आप MBBS में नहीं कर सकते, वो सेम बातें आप CA के अंदर नहीं कर सकते। नो योर ऑडियंस, कि किसके आगे बोल रहा हूं, क्या उनका, जैसे मुझे पता है कि मेरे को ज्यादातर सुनने वाले लोग 18-25 साल के लोग, चाहे वो यूट्यूब पे हो, चाहे वो इंटर्नशिप के थ्रू हो, कहीं पे भी हो, तो मेरे को सुनने वाले लोग 18-25 साल के लोग हैं, मैं उस हिसाब से कंटेंट को प्रिपेयर करूंगा। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है पब्लिक स्पीकिंग के अंदर। इसके बाद एक सबसे बड़ा जो प्रिंसिपल है जिसको मैंने जिंदगी में हमेशा यूज किया है, ध्यान से सुनना, एरिस्टोटल जो कि ग्रीक फिलोसोफर थे, ठीक है, जिनको हिंदी में सुकरात भी बोलते हैं, सुकरात ने हजारों साल पहले 3 पिलर दे दिए पब्लिक स्पीकिंग के। पहला है एथॉस, दूसरा लोगोस और तीसरा पैथॉस। ध्यान से सुनना, एथॉस, लोगोस, पैथॉस। अगर ये 3 कंपोनेंट आपके स्पीच के अंदर हैं तो आपकी स्पीच बहुत सक्सेसफुल हो जाएगी। आप जो करवाना चाहते हो सामने वाले से वो सामने वाला करेगा। पहला क्या है? इथॉस। इथॉस मतलब क्रेडिबिलिटी ऑफ द स्पीकर। इथॉस मतलब क्या? क्रेडिबिलिटी ऑफ द स्पीकर। जो स्पीकर बोल रहा है, जो बंदा ये बात बोल रहा है, उसने क्या अपनी जिंदगी में कुछ किया? उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है? क्या उसने अपनी जिंदगी में कुछ भी बड़ा किया है? तो अगर आपने कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से क्रेडिबिलिटी स्टैब्लिश कर दी तो काम बन गया। जैसे कल के सेशन में आपको याद होगा, कल रात को जो सेशन हुआ था, तो पहले दिशा मैम आई और दिशा मैम ने आपको मेरे बारे में ऑलरेडी पहले बताया कि मैं कौन हूं, मैंने क्या किया है। अगर मैं डायरेक्टली आता तो आपको पता ही नहीं है पीछे कि ये इंसान है क्या, इसने कुछ किया, इसने कुछ नहीं किया, ठीक है। और फिर बाद में आपको मैंने अपनी पूरी स्टोरी दिखाई, आपको मैंने दिखाया कि मैंने कितना पैसा कमाया, क्या कमाया, किया कि नहीं किया, फिर वहां पे बन गई क्या क्रेडिबिलिटी, कि जो इंसान बोल रहा है सिर्फ किताबें पढ़ के या कोई मूवी देख के, कोई वीडियो देख के, इधर से ज्ञान लेके सीधा नहीं परोस रहा, इसने अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट किया है। तो इथॉस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्रेडिबिलिटी शुड बी देयर। सेकेंडली लोगोस। लोगोस का मतलब है लॉजिक बिहाइंड योर कॉन्टेंट। जो भी आप समझाने वाले हो, जो भी आप सिखाने वाले हो, उसके पीछे का लॉजिक क्या है? तो कल के सेशन के अंदर आपको यह भी याद होगा कि जब मैंने वो स्टोरी सुनाई थी आपको, जंगल स्कूल, ठीक है, एजुकेशन सिस्टम, तो उसके अंदर मैंने क्या दिया? मैंने आपको लॉजिक दे दिया कि इस पूरे इंटर्नशिप का पर्पस क्या है। बात समझ रहे हो आप? लॉजिक बिहाइंड वॉट एवर आई एम शेयरिंग विथ यू। लोगोस। थर्ड क्या है? पैथॉस। पैथॉस का मतलब क्या है? इमोशनल कनेक्ट। इमोशनल कनेक्ट अगर आप अपने अपने पूरे स्पीच के अंदर क्रेडिबिलिटी, लॉजिक एंड इमोशनल कनेक्ट, इमोशनल कनेक्ट कैसे किया? कैसे किया? आप खुद एक बार चैट बॉक्स में ऑन कर रहा हूं, आप मुझे बताओ कैसे किया मैंने कल इमोशनल अपील, कैसे किया? इमोशंस को टच करना हुआ, एग्जैक्टली। जॉब, 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 ठीक है, पैसे की बात करके, जॉब की बात करके, क्योंकि ये हम सब झेल रहे हैं, हैशटैग मोदी रोजगार दो, हम सब इस बात को झेल रहे हैं ना। तो मैंने आपको इमोशनल भी वहां पे टच दे दिया कि हमारी लाइफ में एक्चुअली हो क्या रहा है। अगर ये 3 कंपोनेंट्स है ना तो आप समझ लो आपकी जो स्पीच है वो जबरदस्त है, ठीक है, और आपकी स्पीच में आप फाड़ दिया आपने, बढ़िया कर दिया आपने, ठीक है। तो आप कभी भी अपनी स्पीच डिजाइन करें, कभी भी कहीं पे प्रेजेंट करने का मौका मिलता है, व्हाट यू नीड टू डू इज क्रेडिबिलिटी एस्टैब्लिश करनी पड़ेगी। अगर आप क्रेडिबल नहीं हो तो कोई और इंसान आपके बिहाफ पे बोले। जैसे आज से 3 साल पहले मेरे पास ना यूट्यूब चैनल था, ना मेरे पास
कोई डिजिटल इतनी जनता थी ना, इन मेरे इंस्टाग्राम पे कुछ था, कुछ भी नहीं था, बट मुझे बिजनेस बिल्ड करना था अपना। तो जब भी मैं अपने कहीं पे कोई सेशन कंडक्ट करता था ना, तो मेरे बिहाफ पे कोई इंसान आते थे, फील्ड पे मैंने बहुत काम किया था, लेकिन फील्ड पे घिस घिस के मैंने 1.5 साल काम किया हुआ था, लेकिन डिजिटल कोई प्रेजेंस मेरा नहीं था। तो मेरे बिहाफ पे कोई इंसान जाते थे जो कि 5-10 मिनट ऑडियंस से बात करके मेरी क्रेडिबिलिटी को वहां पे एस्टैब्लिश करते थे, वो बताते थे कि मैं कौन हूं, क्या हूं, कितना कमाया, क्या किया, उसके बाद मैं जाता था, और उसके बाद तो फिर बाकी लोगोस और पैथोस मुझे करना आता था। ठीक है, तो इस तरीके से होता है, एथोस, लोगोस, पैथोस। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आया हो तो आपको क्या करना है, इस वेबिनार को एक और बार रिपीट करके देख लेना यूट्यूब के ऊपर, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। लेकिन याद रखना 5 से 6 घंटे यूट्यूब पे लाइव रहेगा, उसके बाद इस वेबिनार को हम मतलब इस वीडियो को हम जो है प्राइवेट कर देंगे, हटा देंगे यूट्यूब से। इसके आगे चलते हैं हम, हा, इसमें मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपनी टीम से, कहीं पे भी अगर हैं ऑफिस के अंदर और अगर मुझे लाइव देख रहे हैं, तो एक बार मेरे केबिन के अंदर आ जाएं। ठीक है, सो कंपोनेंट्स ऑफ अ सक्सेसफुल स्पीच, इसके अंदर एक पार्ट यहां पे आप देख सकते हो, ये पार्ट है स्टोरी टेलिंग, और इसको बहुत लोग इग्नोर करते हैं। इसको क्या करते हैं लोग, इग्नोर करते हैं अपने स्पीच के अंदर, कॉर्पोरेट्स के अंदर इस चीज को इग्नोर किया जाता है। बट आपको बताऊं, आपकी स्पीच के अंदर अगर स्टोरी टेलिंग रही ना, तो आपकी स्पीच मार्वेलस स्पीच बन जाएगी, बहुत जबरदस्त स्पीच बन जाएगी। क्योंकि पता है आपको, बचपन से लेके अभी तक हम जो चले हैं ना, हम सिर्फ स्टोरीज पे चले हैं। हमने बचपन में दादा, नानी, दादी, मामा, फूफा, बुआ, पापा, मम्मी, मौसी, चाची, चाचा, दुनिया भर से एक ही चीज सुनी है, कहानियां सुनी है। हमने कोई किताब पढ़ी, चंपक, नन्हे सम्राट, बाल हंस, नंदन, पता नहीं क्या, चाचा चौधरी, ये वो, हमने क्या पढ़ा, कहानियां। तो हमारे डीएनए के अंदर क्या है, कहानियां, हमें कहानियां सुनना बहुत पसंद है। तो अगर कहानियों के ऊपर कंटेंट डिजाइन कर दिया, लोग ध्यान से सुनेंगे, स्पेल बाउंड होके सुनेंगे। आप चाहते हो आपको लोग स्पेल बाउंड होके सुने, जब आप किसी को इन्फ्लुएंस करना चाहो, आप टीचर से बात करो, किसी से बात करो, लोग स्पेल बाउंड होके आपकी बात सुने, आप चाहते हो तो यस 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 यस। क्या करना है भाई, कहानियों पे फोकस करनी है, स्टोरी टेलिंग पे फोकस करनी है। आप चाहते हो एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाऊं, जिससे आपको पता लगे कि कितना इफेक्टिव होता है स्टोरी टेलिंग, कितना लोग कहानी सुनना चाहते हैं, वन टाइप करके बताएं मुझे यहाँ पे चैट बॉक्स पे। इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, ये कहानी बहुत जबरदस्त है, इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, लेकिन आपको अपने रूम के अंदर अकेले बैठना है। ठीक है, अकेले बैठो रूम की, अगर लाइट बंद कर सकते हो तो और भी अच्छा रहेगा, बहुत मजा आएगा आपको स्टोरी में। और ध्यान से कान में आपको ईयरफोन लगा के ध्यान से मेरी स्टोरी को सुनना है, बहुत मजेदार स्टोरी है, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, कितने लोग तैयार है, मैं लोगों को एक्सप्रेशन भी देखना चाहूंगा, तो कैमरा ऑन रखना, लाइट डिम कर सकते हो तो डिम कर लो, नहीं कर सकते कोई बात नहीं, कान में ईयरपॉड लगा लो। मैं अपनी लाइट को थोड़ा सा डिम करना चाहता हूं, तो एक हाँ भाई तैयार, कैमरा ऑन करना पड़ेगा, लेकिन ऐसे नहीं, कैमरा ऑन होगा तभी मजा आएगा, कैमरा ऑन होगा तभी मजा आएगा। ठीक है, तो शांति से एयरपॉड लगा लो और ध्यान से सुनो मैं क्या सुनाना चाहता हूं। एक बार की बात है, दो दोस्त होते हैं दिल्ली के लड़के, उनमें से एक जो होता है वो बहुत अमीर फैमिली से होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा रिच फैमिली से, और दूसरा जो है वो गरीब है, ठीक है, मिडिल क्लास या गरीब समझ लो आप, तो चेला टाइप होता है ना लड़का जो चिपक जाता है एक अमीर दोस्त के साथ, तो चेला टाइप लड़का होता है वो। ठीक है, अब दोनों, एक शाम होती है और शाम में पेड़ के नीचे ऐसे ही बैठे होते हैं, उनका काम कुछ भी नहीं होता, अय्याशी होती है, आवारगी होती है और कुछ नहीं होता, कॉलेज के फर्स्ट ईयर में जाते हैं वो, पूरे दिन घूमते हैं, हांटते हैं इधर से उधर, उधर से उधर। ठीक है, तो एक शाम में ना वो बैठे होते हैं और कहते हैं कि यार बड़ा टाइम हो गया, हमें कहीं घूम के आना चाहिए। दूसरा कहता है भाई बात तो तेरी सही है, घूम के तो आना चाहिए, बता कहाँ चले। अमीर वाले से कहता है कहीं घूम के आना चाहिए, अमीर वाला कहता है चल कहाँ चले बता। तो यार तू कह रहा था ना कि तेरी नानी का घर है मनाली में, तेरी नानी का घर है ना मनाली में, वहीं चलते हैं मस्त, वहां पे रह भी लेंगे और अपना घूम भी लेंगे और पार्टी वार्टी भी कर लेंगे। वो कहता है ठीक है भाई, गर्मी का मौसम भी है, चलते हैं वहां। ठीक है, तो दोनों पहुंच गए कहाँ, अपनी नानी के घर पे मनाली। अब इसकी जो नानी होती है वो होती है खतरनाक अमीर, बहुत अमीर, मतलब अंधी अमीर, बंगला होता है बहुत बड़ा सा,
ठीक है, और इतनी अमीर होती है, बप्पी लहरी देखा आपने, बप्पी लहरी, ठीक है, तो बप्पी लहरी की तरह पूरा सोना इसने अपने गले में, हाथों में, कड़ा, ये वो, ऊपर से नीचे तक सोने से लदी होती है वो। तो ये घर पहुंचते हैं, अब ये गरीब वाला जो है ये तो देख के ही हैरान हो गया कि भाई क्या ही लेवल है इसका, ठीक है। तो दो चार दिन आराम से घूमते फिरते हैं इधर उधर, मस्त मजा काटते हैं, गर्मी से ठंड में आए होते हैं तो मजे करते हैं। तीसरे दिन की बात है, तीसरे दिन मौसम काफी सुहावना होता है, बहुत ज्यादा अच्छी, मतलब अच्छा मौसम, हवा चल रही है, अलग ही माहौल है। तो कहता है भाई आज तो पार्टी का मौसम है, ठीक है। दूसरा लड़का कहता है जो गरीब वाला होता है, वो कहता है भाई आज तो पार्टी का मौसम है, आज तो हमें पार्टी करनी है। तो अमीर वाला भी कहता है चलो करते हैं, पैसा तो है अपने पास, जो पापा से लेके आए थे वो पैसा वैसा पड़ा है, चलो पार्टी करते हैं। तो ये दोनों जाते हैं मस्त क्लब में, ठीक है, गाड़ी से जाते हैं आराम से क्लब में जाते हैं, और पूरा पैसा फूक के, ठीक है, ये अपना जो भी खाना पीना होता है इनका, बिल्कुल नशे में धुत हो गए। अब नशे में धुत होने के बाद क्या होता है कि वो कहता है कि भाई यार और पीनी है आज तो, आज तो, और मतलब डगमगा रहे हैं कदम, एक जगह सही से टिका नहीं जा रहा, पैसे पूरे खत्म कर दिए जेब के, कह रहे यार आज तो थोड़ी सी और पीनी है भाई। ये जो गरीब वाला है ये अमीर वाले को भड़का रहा है, अमीर वाला कहता है भाई पीनी तो मेरे को भी है लेकिन पैसे खत्म हो गया भाई, पैसे खत्म हो गए कैसे करें। कहता भाई एक बात बता, तेरी नानी के पास इतना सोना है, इतना सोना है, ऊपर से नीचे तक लदी रहती है, साला हाथ से एक आधा निकाल लेंगे, किसको पता लग रहा है, चलना। कहता बात तो तेरी सही है यार, बात तो तेरी सही है, बुढ़िया ऊपर से नीचे तक सोना ही सोना है, निकाल लेते हैं चलो। अभी नशे में सारी बातें हो रही हैं, ये बंदे नशे में गाड़ी ड्राइव करते हुए कैसे कैसे पहाड़ के रास्ते से घर पहुंच गए। घर पहुंचे, गेट खोला, गेट खुलवाया, गेट खुला हुआ था, ठीक है। तो नानी अपने कमरे में उस टाइम पे सो रही है, ये घर में घुसते हैं, नानी सो रही होती है, नशे में बातें चल रही है, आराम आराम से, आराम आराम से, ठीक है, ऐसे करके कंबल से हाथ बाहर निकाला और धीरे धीरे उंगली से अंगूठी ऐसे करके निकल रही है। अचानक से नानी की आंख खुलती है, नानी कहती है ओए क्या कर रहा है भाई, ये नशे में थे इनको समझ नहीं आया क्या करना है। इसने वहां से कपड़ा उठाया, ठीक है, कपड़ा उठाया और कपड़ा उठा के सीधा मुंह में ठूसा और भागते हुए गया किचन में, गया किचन में चिकन काटने की जो वो होती है ना आड़ी, उसको लेके आता है और उसको समझ नहीं आता कि वो क्या कर रहा है। उसने क्या किया, हाथ खींचा और सीधा हाथ पे खाच, पूरे बिस्तर पे खून ही खून। नानी चिल्लाई बहुत जोर से, ठीक है, कपड़ा बाहर आ गया मुंह के, नानी के सीधा सीने पे मारा उसने खाच, और पूरे बेड पे खून ही खून। दोनों को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन नशे में उन्होंने ये चीज कर दी। अब ये पागलों की तरह नानी की बॉडी को उठा रहे हैं, नानी की बॉडी को उठाने के बाद इन्होंने गाड़ी के डिक्की में भरा, ठीक है, और इतने घटिया लोग कि ये जाके पहले सोना बेच के और जाते हैं शराब पीने, ठीक है, फिर गए पार्टी करी, फिर उसके बाद जब एकदम ही रात हो जाती है ना, 12-1 बज गए रात के, तब जाके ये कब्रिस्तान जाते हैं, धीरे धीरे इनका नशा भी उतर रहा है, कब्रिस्तान जाते हैं और वहां पे नानी की बॉडी को गाड़ने के लिए जाते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना आप। जैसे ये गाड़ रहे होते हैं ना, फावड़ा पहला चलता है तो पीछे से आवाज आती है इसको, बेटा ये पीछे पलट के देखता है, पीछे कोई नहीं, पीछे पलट के देखता है, पीछे कोई नहीं, इसको आवाज आती है लेकिन। तो दूसरा वाला कहता है भाई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तेरे को चढ़ गई है, कुछ नहीं हुआ, शांति शांति शांति, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, भूल जा, सुबह सुबह सब सही कर देंगे, सब सॉर्टेड कर देंगे, तो दिमाग में चला, तू चुपचाप पहले गाड़ दे इसे। ये डरे हुए हैं, ठीक है, इन्होंने बॉडी वहां पे दफना दी, गाड़ी से वापिस आ रहे हैं, गाड़ी के रियर मिरर में फिर से दिखती है पीछे नानी बैठी हुई है, ये भाई पीछे पलट के देखता है, पीछे कोई नहीं, इसकी फट गई है पूरी बुरी तरह से, इसका दिमाग खराब हो गया कि ये हो क्या रहा है, ठीक है। फिर क्या होता है, जैसे ही अपने घर पहुंचते हैं ना, घर का गेट खुला हुआ है पहले से, इनको समझ नहीं आता घर का गेट कैसे खुला हुआ है, घर तो हम बंद करके गए थे। कहता भाई यार तू नशे में है क्या भाई, हवा ववा चली होगी, छोड़ ना तू अंदर चल, पागल है क्या। जैसे वो गेट खुलते हैं, अंदर से नानी आ रही है, अंदर से सामने से दिख रहा है नानी आ रही है, दोनों ने देखा, दोनों पागल हो गए, क्या हो गया ये, नानी कहां से आ गई। नानी कहती है बेटा तुम कहां चले गए थे। ये कहते हैं नानी आप कैसे आ गए, मेरा ही तो घर है। अरे आप कैसे आ गए। यार कोई बात नहीं, तुम बैठो बैठो, रात हो गई है काफी, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आती हूँ। और भाई बिजली बिजली कड़क रही है उस टाइम पे बाहर, ठीक है, रात का टाइम है। नानी पानी लेने गई, इतनी देर में ये जो दोनों बंदे हैं, दोनों बंदे जाते हैं रूम के अंदर, देखते हैं कि खून वून जो लगा हुआ था बेडशीट के ऊपर, वो खून है क्या, पूरे बेड पे खून दिख रहा है वहां पे। नानी पीछे से आती है, नानी ऐसे ऐसे करती है, ये पलट के, नानी कुछ नहीं कुछ नहीं, अरे वो वहां पे सॉस गिर गया था, चटनी गिर गई थी थोड़ी सी, छोड़ो वो सुबह तक साफ करवा दूंगी, तुम बैठो मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आती हूँ। ये दोनों बैठे हैं, इनके हाथ पैर ठंडे पड़े हैं, कांप रहे हैं।
नानी जाती है, ग्लास लेके आती है, ग्लास जब सामने करती है ना ऐसे, जैसे सामने करती है तो ग्लास के बाहर से खून ही खून निकल रहा होता है। तो उनमें से एक पूछता है कि नानी आपके हाथ कहाँ हैं, उंगलियां कहाँ हैं? नानी कहती है ये ही मेरी उंगलियां। कम बैक, आ जाओ वापिस, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लाइट वाइट जला लूं मैं है? नानी नहीं तो रात को आके डराएंगी, रुक जाओ। पता है ये जब लाइव होता है ना फिजिकल, जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई विल स्विच ऑन द लाइट्स, विल कंटिन्यू। हाउ वाज इट, कैसा था? पता, जब हम फिजिकली करते थे ना इसको, तो आगे वाला बंदा पीछे भाग जाता था, मतलब अपनी कुर्सी से जंप मार देता था, भाई यार क्या बोल दिया। ठीक है, इसको बोलते हैं स्टोरी टेलिंग, अपने ऑडियंस को एकदम बांध देना। मजा आया, समझ आया स्टोरी टेलिंग कितनी इफेक्टिव चीज होती है? क्या जो भी मैं बोल रहा था, क्या आपके दिमाग में पिक्चर बन रही थी? वो नशे में थे, ऐसे ऐसे डोल रहे थे, उन्होंने बोला कि अरे भाई और पीनी है, फिर वो गाड़ी ड्राइव करके गए, गेट खुला हुआ था, नानी पीछे खड़ी थी, फावड़ा चलाया, सब डिटेलिंग बन रही थी दिमाग में पिक्चर, ऐसा ऐसा हुआ, वो नानी आई, ठीक है, ग्लास पकड़ाया, खून निकल रहा है। इसको बोलते हैं स्टोरी टेलिंग। और भाई एक बात याद रखना मेरी, फैक्ट्स टेल, स्टोरी सेल। व्हाट, अगर आप बिजनेसेस के अंदर हो या कल की डेट में बिजनेस वगैरह करने का मन है तुम्हारा, तो याद रखना भाई, फैक्ट्स टेल, स्टोरी सेल। आपके पास कोई ना कोई स्टोरी होनी चाहिए सुनाने के लिए, तभी आपका सामान, प्रोडक्ट, सर्विस कुछ भी बेच सकते हो आप जबरदस्त तरीके से। कमिंग बैक, स्टोरीज के कॉम्पोनेंट्स क्या क्या होने चाहिए, वापिस आ जाओ, कोई बात नहीं, नानी कहीं नहीं थी, कुछ नहीं हुआ था, ठीक है, और दोनों लड़के आज भी वही हैं, रोड के नीचे बैठे हुए हैं, पेड़ के नीचे, ठीक है, और वो सोच रहे हैं कि मनाली जाएंगे। तो कभी ऐसा होगा तो आगे की स्टोरी बताऊंगा मैं, ठीक है, क्योंकि इस स्टोरी को मैंने जब जब सुनाया ना, तो मेरे पास बाद में इंस्टाग्राम पे डीएम आता है, सर नानी का हुआ क्या फिर? अबे पागल, हाइपोथेटिकल स्टोरी थी भाई, मनगढ़ंत कहानियां थी ये, ठीक है। कमिंग बैक, देखो यूट्यूब पे कोई बोल रहे हैं यहाँ पे, वन मोर स्टोरी सर, कभी और, ठीक है। अब क्या है, स्टोरी टेलिंग के अंदर तीन बातों का ध्यान रखना है हमने, स्टोरी टेलिंग के अंदर तीन बातों का ध्यान रखना है। पहली बात, स्टोरी के अंदर डिटेल्स होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? डिटेलिंग होनी चाहिए। मैंने जैसे कि डिटेल्स बताई ना आपको कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ, अगर जैसे मान लो मैं लेह लद्दाख गया, ठीक है, अभी कुछ टाइम पहले लेह लद्दाख गया था, तो अगर मैं आपको ये बताऊं कि मैं लेह लद्दाख गया, वहां पे उतरा, खाना खाया, पानी पिया, सो गया, फिर उसके बाद घूमा, फिर उसके बाद मैं वापस आ गया, तो ये बोरिंग है भाई, कोई नहीं सुनेगा। पर अगर मैं डिटेलिंग दूं कि भाई जब मैं लेह लद्दाख में उतरा, भाई जो ठंड थी, सच में बता रहा हूं, मैं जम गया था वहां पे। दिल्ली से मैं गया 26 डिग्री सेल्सियस और लेह लद्दाख में गया 2 डिग्री सेल्सियस। अगर दिल्ली में मैं कपड़ा पहन के जाता, ज्यादा कोट वोट पहन के जाता, लेदर की जैकेट पहन के जाता, दिल्ली वाले पागल बोलते, वहां उतर के अगर मैंने लेदर की जैकेट ना पहनी होती तो वहां वाले पागल बोलते। तो जो डिटेल्स मैं ऐड करूंगा तो सामने वाला इंटरेस्ट लेके बातों को सुनेगा कि अच्छा अच्छा ऐसा हुआ। जब आप ऐसे बताओगे मैं शिमला गया, जैसे ही बाहर निकला, स्टेशन से बाहर निकला या एयरपोर्ट से बाहर निकला, भाई जो हवा चल रही थी, जो हवा चल रही, देयर स्टोरी टेलिंग प्लेज द रोल। ऑलराइट, दूसरी चीज, पुट योरसेल्फ इन देयर शू। आप उनके हिसाब से सोचो कि उनको क्या सुनना है। जैसे मैंने बताया ना, नो योर ऑडियंस, वो सेम वाली बात है, आपको पता होना चाहिए कि सामने वाला इंसान मेरे से क्या सुनना चाहता है। तीसरी चीज, योर बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज का मतलब है, अगर मैं आपको बोलूं ऐसे करके बोलूं, आपको मोस्ट प्रोबेबली मैं शायद दिख रहा हूँ, ठीक है, अगर दिख रहा हूं तो अच्छी बात है, ऐसे करके बोलूं, हमें जीतना है, हमें आगे बढ़ना है, कैसा लगेगा? हमें जीतना है, हमें आगे बढ़ना है। आप बोलोगे कि भाई पहले खुद जीत ले, खुद आगे बढ़ ले, है ना? हमें जीतना है, हमें आगे बढ़ना है, हमें बहुत कुछ करना है। बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज जो है वो लगभग 90% प्ले करता है आपके कम्युनिकेशन का। 10% इज कम्युनिकेशन,
आपने कभी ये चीज नोटिस किया होगा कि कोई इंसान है जो आपको तरीके से कन्विंस करने पर, कोई सेल्समैन है जो आपको तरीके से कन्विंस करने पर लगा हुआ है, बहुत सारी ऐसी बातें बोल रहा है जिससे आप कन्विंस हो जाओ, पर फिर भी आपका कहीं ना कहीं कोई ना कोई पार्ट दिमाग का कह रहा है कि इस बंदे पर भरोसा मत कर, ये शायद तुम्हें बेवकूफ बना सकता है, क्योंकि उसकी बॉडी लैंग्वेज जो है ना वो उस तरह की है, वो हमसे कुछ और बोल रही है, समझ रहे हो। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वर्बल कम्युनिकेशन से ज्यादा बड़ा रोल प्ले करता है, वही है हमारा बॉडी लैंग्वेज, ठीक है। अगर आप ऐसे झुके झुके बोल रहे हो कि हमें जिंदगी में बहुत ज्यादा पैसा कमाना है, हमें जिंदगी में बहुत कामयाब होना है, आपके शोल्डर्स नीचे गिरे हुए, आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसे है, भाई कौन सा बंदा तुम पे ध्यान देगा यार, पहले खुद जिंदगी में कुछ कर ले। लेकिन अगर बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करती है, ठीक है, आई कॉन्टैक्ट, फेशियल एक्सप्रेशन, पोस्चर्स, वो धीरे धीरे हम आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में भी, मतलब इस वेबिनार में नहीं, जब डिटेल्स में और आगे चलेंगे तो हम डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। इसके आगे चलते हैं, टू बी एन अमेजिंग स्पीकर, जो भी आपके थॉट्स हैं वो आपको लिखने की जरूरत है, ठीक है। तीन बातों का ध्यान रखना, राइट योर थॉट्स, ईमेल लिखना, कुछ भी दिमाग में आता है ना तो लिखने की प्रैक्टिस करो, हर एक स्पीकर लिखता है, ठीक है, चाहे ईमेल्स लिखो, चाहे स्टोरीज लिखो, कुछ भी लिखो, लेकिन लिखो इफ यू वॉन्ट टू बी अ स्पीकर। दूसरी चीज, अपने आप को खुद सुनो, आप कुछ भी करते हो ना, जैसे आज का आपका क्या रूटीन था, कल आपने क्या किया, अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर लो। ये मैं कुछ हैक्स बता रहा हूँ जो प्रोफेशनल लोग करते हैं, जो मैंने भी किया है, ठीक है। अपना रूटीन बता दो कि मैंने आज ये चीजें करी, ठीक है, और उसको आज मत सुनो, दो तीन दिन बाद रैंडमली कोई भी ऑडियो उठा के सुनो, आपको पता लगेगा कि आप किस तरह से बात करते हो, आपके बात करने पे, आपके शब्दों को यूज करने पे, कौन से शब्द से कौन सा इमोशन जनरेट होता है। फिर आपको ना धीरे धीरे अपने बारे में पता लगने लग जाएगा कि आप कहां पे स्टैंड करते हो, ये एक प्रोफेशनल लेवल की बात हो गई, ठीक है। इसके बाद स्पीक 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 वेयर एवर यू गेट द चांस, डोंट मिस इट आउट। आपके कॉलेज में अगर बोला जा रहा है या कि हम दिवाली का सेलिब्रेशन करेंगे, कौन कौन वॉलंटियर करना चाहता है, भाई उस टाइम पे खड़े कर लो अपने हाथ, मैं करूंगा वॉलंटियर, क्योंकि आपको पता होना चाहिए वॉलंटियर करोगे तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई मौका ऐसा मिलेगा जहां पे आपको बोलना पड़े, हो सकता है आपको स्टूडेंट्स को ट्रेन करना पड़े, हो सकता है किसी को रिपोर्ट करना पड़े, हो सकता है किसी से रिपोर्ट लेनी पड़े, आपको बोलने का मौका मिलेगा, डोंट मिस इट। आपके घर पे कोई डिनर की पार्टी है, कुछ भी है, तो वहां पे खड़े हो जाओ भाई, कुछ भी नहीं मतलब दो तीन बातें भी बोलने का मौका मिल जाए कि बहुत अच्छा लग रहा है हम सारे के सारे यहाँ पे आज मिले हैं, ठीक है, बहुत टाइम बाद हमारी पूरी फैमिली आज एक साथ डिनर करने वाली है, तो बहुत दिल से खुशी हो रही है, मुझे अच्छा लग रहा है, एंड लेट्स हैव इट, लेट्स स्टार्ट इट। छोटा बोलना है लेकिन बोलना है, क्योंकि यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस हो रही है, धीरे धीरे आपके अंदर का वो जो इंसान है ना वो बाहर आ रहा है। ऑलराइट, बी योरसेल्फ, किसी को कॉपी करने की कोशिश करोगे तो दिमाग आपका बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड होगा, आपका दिमाग फोकस्ड कहां पे होगा कि मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा, जो मैं दिखाना चाहता हूं वो तो नहीं दिखा रहा, जो हो वही प्रेजेंट करना है। कभी भी स्टेज के ऊपर या फिर पढ़ने की जरूरत नहीं है, कभी भी स्टेज पर या लाइव वेबिनार के अंदर पढ़ना शुरू मत करो, नोट्स रखो, पर उस नोट्स को इतना रफ, मतलब नोट्स को देख के अगर मैं बात करूंगा ना, पूरा नोट्स को देख लूं और बात करने लग जाऊं तो मेरा ऑडियंस के साथ तुरंत कनेक्शन कट गया, ऑडियंस तो ये सोचेगा ना कि ये बंदा तो पढ़ के बात कर रहा है, तो रेफरेंस के लिए आप रख सकते हो नोट्स को, लेकिन आपको नोट्स पढ़ना नहीं है, ठीक है। इसके बाद यूज योर वॉइस एंड हैंड्स, आपकी आवाज को यूज करना है, यूज करना है। आप बोलोगे कि आवाज तो यूज किए बिना पब्लिक स्पीकिंग होगी ही नहीं, यूज करना है मतलब वॉइस मॉड्यूलेशन। स्टोरी का सबसे बड़ा रोल ये भी प्ले करता है कि आपकी आवाज जब धीरे होनी चाहिए तब धीरे हो, जब जोर की होनी चाहिए तब जोर की हो, जब जल्दी जल्दी होनी चाहिए जल्दी जल्दी हो, जब पॉज लेके होना चाहिए पॉज लेके हो। वॉइस मॉड्यूलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, मोनोटोनस इज अ सिन इन पब्लिक स्पीकिंग, ठीक है। मोनोटोनस नहीं हो सकते आप, एक ही लय में बात करोगे तो लोग बोर हो जाएंगे, उनको लगेगा आपकी लिमिटेशन इतनी, आप ऐसे ही बात कर सकते हो, तो आपको ना मॉड्यूलेट करना है, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से आ जाएगा। और चौथी चीज, साइलेंस, ये बहुत अंडररेटेड चीज है, लोग इसकी पावर को समझते नहीं है, पर मैं बता रहा हूं सबसे ज्यादा पावरफुल चीज है ये पब्लिक स्पीकिंग के अंदर, साइलेंस। देख रहे हो कितनी इफेक्टिव चीज है, काफी लोगों को लग रहा होगा वीडियो अटक गई, क्या हो गया, चुप क्यों हो गए, बताओ, इतनी इफेक्टिव। बहुत सारे लोगों की गलती पता है क्या होती है, लोग बीच में बोलते बोलते ऐसे करने लग जाते हैं, यू नो व्हाट, एक्चुअली, अब वो याद तो कर रहे हैं लेकिन पूरी दुनिया को बता रहे कि मैं याद कर रहा हूं, याद कर रहे हैं लेकिन पूरी दुनिया को बता दिया कि भाई मैं याद कर रहा हूं। अरे नहीं, उस टाइम पे आप पॉज लो, जब आप पॉज ले लेके बात करोगे ना, चुप हो जाओगे, साइलेंस हो जाओगे, और आप याद करोगे कि आप बोलने क्या वाले हो। इससे होता यह है कि सामने वाले ऑडियंस को यह लगता है कि शायद कोई इंपॉर्टेंट बात बोलने वाले हैं, इसीलिए इतना रुक के बोल रहे हैं। मेरे दादाजी इसको बहुत यूज करते हैं, ठीक है, कोई बात बोलेंगे फिर ऐसे करके चुप हो जाएंगे, फिर ऐसे 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 हिलने लग जाएंगे, हम सारे पोता पोती ऐसे, पता नहीं क्या ही बात आने वाली है बाहर, बचपन में ऐसा होता था। तो ये साइलेंस बहुत, शायद उनको पता भी ना हो कि ये एक बहुत इफेक्टिव चीज है, पर वो ये ऐसा करते थे,
तो ये इफेक्टिव चीज है. बी साइलेंट, कहीं कहीं पे आपको पॉज देना चाहिए जब आप बोल रहे हो तो, ठीक है. इससे आ ऊ ई आ करने की जरूरत नहीं होती. पॉज लो, सोच लो क्या बोलना है और फिर बताओ, ठीक है. इसके आगे, इसके ऊपर अब हम सेशन को कंप्लीट करने वाले हैं. सिर्फ 5 मिनट के अंदर ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा, 1 घंटा भी होने वाला है. अगर आपको एक स्मार्ट स्पीच प्रिपेयर करनी है तो आपको इन 5 चीजों का ध्यान रखना है. पहली चीज होनी चाहिए अटेंशन ग्रैबर, ठीक है. दूसरी चीज होनी चाहिए अटेंशन कैसे ग्रैब करते हैं हम, या तो कोई क्वेश्चन पूछ लो, क्वेश्चन पूछ लो आते ही कोई सवाल पूछ लो सामने वाले से, ठीक है. दूसरा ये हो सकता है कि इंट्रोडक्टरी सॉरी कोई शायरी बोल सकते हो, कोई स्टोरी सुना सकते हो, इससे अटेंशन आप ऑडियंस का ग्रैब कर लेंगे. कोई जोक सुना सकते हो. दूसरा पार्ट होना चाहिए इंट्रोडक्शन, कि आप कौन हो, क्या हो, क्रेडिबिलिटी ऑफ द स्पीकर, ठीक है. फिर बॉडी, फिर कंक्लूजन, और फिर जो आप करवाना चाहते हैं सामने वाले से, कॉल टू एक्शन क्या है वो. ऑलराइट, आगे बढ़ रहे हैं. ह्यूमर ऐड करना बहुत जरूरी है अगर आप एक सक्सेसफुल स्पीच करना चाहते हैं तो. आज तो मैं सिखा रहा हूं, ठीक है, आज मैं आपको पब्लिक स्पीकिंग सिखा रहा था, तो इस वजह से मैंने ज्यादा ह्यूमर ऐड नहीं किया आज के वेबिनार में. बट अगर आप कल के वेबिनार में थे तो आपको याद होगा मैंने ह्यूमर बहुत ऐड किया था कल के वेबिनार में. ह्यूमर मतलब क्या, आप ऑडियंस को हंसा पाओ, ऐसी कैपेबिलिटी आपको अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी, ठीक है. और वो धीरे धीरे विद टाइम अपने आप हो जाएगी प्रैक्टिस से. ऑलराइट, इसके आगे चलते हैं. हाउ टू मोनेटाइज, मोनेटाइज कैसे कर सकते हो आप इस स्किल को. अगर आपने ये स्किल सीख ली, जो कि हम सीखेंगे अभी, आपसे प्रैक्टिस करवाने वाला हूं, आपको चैलेंज मिलने वाला है अभी, ठीक है. अगर आपने सीख लिया तो आप पॉडकास्ट शुरू कर सकते हैं. आने वाला पूरा जो जनरेशन आने वाला टाइम है, यूट्यूब के बाद पॉडकास्ट चलने वाला है, ठीक है. मोनेटाइज कर सकते हो पॉडकास्ट के थ्रू, स्टोरीज, पॉडकास्ट के अंदर स्टोरीज बनती हैं, डाउनलोड करते हैं लोग स्पॉटिफाई से, अलग अलग प्लेटफॉर्म से इसके लिए, ठीक है. पॉडकास्ट कर सकते हो, यूट्यूब चैनल बना सकते हो मेरा, ठीक है, मतलब अपना चैनल बना सकते हो जैसे मेरा चैनल है, ठीक है. वहां से भी मोनेटाइजेशन होता है, आपके स्किल को मोनेटाइज कर लोगे. इसके बाद कॉलेज के अंदर, कॉर्पोरेट्स के अंदर आप ट्रेनिंग्स कर सकते हैं. धीरे 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 होगा ये. लॉकडाउन से पहले कॉलेजेस मेरे को पैसा पे करने लग गई थी जस्ट टू स्पीक इन देयर कॉलेजेस, राइट. लॉकडाउन लग गया वो बात अलग है, जैसे लॉकडाउन खुलेगा तो दोबारा से हम उस चीज को शुरू कर देंगे. आप कॉर्पोरेट ट्रेनर भी बन सकते हैं, ठीक है. आप कोई कोर्स डिजाइन कर सकते हो अपने फील्ड से रिलेटेड, पैशन से रिलेटेड, डेवलप कर सकते हो उसको, सेल आउट कर सकते हो. आपको पब्लिक स्पीकिंग आ गई तो आप किसी प्रोडक्ट को एफिलिएट कर सकते हैं, राइट. आपका कोई किसी और ने प्रोडक्ट बनाया उसको एफिलिएट करके भी आप पैसा कमा सकते हैं. आप अपने पेड वेबिनार्स भी कंडक्ट कर सकते हो. आपने स्पॉन्सर्ड ऐड देखे होंगे इंस्टाग्राम के ऊपर बहुत सारे. कोई डिजिटल मार्केटिंग पे स्पॉन्सर्ड ऐड कर रहा है, ठीक है. कोई किसी पे, मतलब बहुत सारे अलग अलग लोग हैं जो अलग, लिंक्डइन मार्केटिंग होगा, इंस्टाग्राम मार्केटिंग होगा, हाउ टू सेल, इनके ऊपर वेबिनार्स करते हैं और स्पॉन्सर्ड ऐड चलता है. आप भी वो काम कर सकते हो, ठीक है. और आप अपने इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज कर सकते हो, जैसे मैंने बहुत सारे इवेंट्स करे हुए. आप फेसबुक पे जाएंगे, इवोल्यूशन टाइप करेंगे, इवोल्यूशन की मेरी ऑर्गेनाइजेशन थी कॉलेज के अंदर, वहां पे बहुत सारे इवेंट्स हुए. सलोश टाइप करोगे, सलोश मेरी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन थी, उसमें भी बहुत सारे इवेंट्स किए हमने, वहां से भी आप पैसे कमा सकते हो. तो मोनेटाइजेशन के तरीके तो बहुत सारे हैं. और एक जबरदस्त तरीका जो कि आपको तभी मिल सकता है जब आप अभी के टास्क को, जो टास्क मैं आपको दूंगा अभी, उसको अगर आप पूरा करेंगे, तो एक जबरदस्त तरीका यह भी है कि आप डायरेक्टली मेरे साथ भी काम कर सकते हो, ठीक है. अगर आप मेरे साथ भी काम करते हो, मेरे मिशन पे काम करते हो, तो भी आप बहुत हैंडसम, बहुत तगड़ा पैसा कमा सकते हो हमारे साथ काम करके. अब मुझे एक बात बताओ, कितने लोग ऐसे हैं जो हमारे साथ काम करना चाहेंगे पर्सनली लॉन्ग रन में. अभी तो आपने सिर्फ एक चीज सीखी है, पब्लिक स्पीकिंग, ठीक है. पर्सनालिटी डेवलपमेंट से लेके, लीडरशिप से लेके, कम्युनिकेशन स्किल्स से लेके, सबकॉन्शियस माइंड से लेके, फाइनेंशियल लिटरेसी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, गोल सेटिंग कैसे होती है, टाइम मैनेजमेंट कैसे होता है, सारी चीजें सीखने को मिलेंगी. वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट, और जो काम आपको बताया जाएगा उससे आप पैसा भी कमाएंगे साथ के साथ, अपनी पढ़ाई के साथ साथ. कितने लोग करना चाहेंगे, चैट बॉक्स को एवरीवन पे कर रहा हूं, ठीक है. एक बार जरा देखना चाहता हूं सुख से कि कितने लोग हमारे साथ लॉन्ग रन में काम करना चाहेंगे, लॉन्ग टर्म में काम करना चाहेंगे. हाथ खड़ा करके एक बार बताएंगे आप, जैसे हाथ ऐसे खड़ा करते हैं ना ऐसे, मुझे दिख रहा है आपका स्क्रीन और कैमरा. ओ ये लवली, सच में. चलिए तो मैं आपको टास्क दे दूं, पहले टास्क सुनते ही आपका हाथ ऐसे नीचे ना चला जाए, देख लो. टास्क सुनते ही आपका हाथ ऐसे नीचे, टास्क है भाई, जबरदस्त चीज है, ठीक है. मैंने चैट बॉक्स को एवरीवन पे किया, एक बार एवरीवन पे मैसेज करके बता दो यार, डायरेक्ट मैसेज मत करो. वन टाइप करो, हाउ मेनी ऑफ यू आर वेरी एक्साइटेड टू वर्क विथ मी लॉन्ग टर्म में. एवरीवन पे चैट करके बताइए, एवरीवन पे. क्या बात है, ये चैट सेव हो जाते हैं ना, तो बाद में हम नाम पढ़ सकते हैं, ठीक है. और फिर देख सकते हैं कि कौन सा भगोड़ा भागा. मजाक कर रहा हूं. चलो तो टास्क की बात कर लेते हैं भाई. अब ध्यान से सुनना मेरी बात, आपको क्या करना है, आपको मिलेंगे अभी
हमारी तरफ से 12 टॉपिक्स, 12 से 15 टॉपिक्स मैं देने वाला हूं आपको, जिसकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपके पास एक पीडीएफ के फॉर्म में आपके ग्रुप के अंदर भी आ जाएगी, टेलीग्राम चैनल पे भी आ जाएगा, और मैं आपको बता भी देता हूं, आप लिख लो कहीं पे 12 के 12 जो हमारे वो हैं। और आपको क्या करना है, उन 12 में से किसी भी एक टॉपिक को आपको चूज करना है, और उस एक टॉपिक के ऊपर आपको अगले 24 घंटे के अंदर एक छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड करनी है, ठीक है। कैसे करेंगे, कहां से कंटेंट लेके आएंगे वो भी बताऊंगा, लेकिन आपका पहला स्टेप ये है कि आप अपने डर को ओवरकम कर दो तुरंत एक दिन के अंदर, ठीक है। फिर हमें समझ आएगा कि आप आगे क्या क्या कर सकते हो। और ये करने का सबसे बड़ा फायदा बताऊं भाई, अगर तुम में ये हिचक निकल गई ना, कैमरा फियर निकल गया, तो कल की डेट में तुम्हारा यूट्यूब चैनल भी हो सकता है, एंड यू कैन प्ले बिग, आप बहुत बड़ा खेल सकते हो, ठीक है। तो 12 टॉपिक्स हैं, इनमें से कोई भी एक टॉपिक चूज करना है आपको, और उसके ऊपर आपको एक वीडियो क्रिएट करनी है, वो एक मिनट की भी हो सकती है, वो पांच मिनट की भी हो सकती है। उसके बाद वो वीडियो आपको अपलोड कहां पे करना है, उस वीडियो को आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप अपलोड कर सकते हो, हमारे फेसबुक पेज के ऊपर अपलोड कर सकते हो आप, ठीक है। आप अपने इंस्टाग्राम हैंडल के ऊपर अपलोड करके हमें टैग कर सकते हो, अगर आप फेसबुक के ऊपर नहीं हो, इंस्टाग्राम के ऊपर नहीं हो, तो आप यूट्यूब के ऊपर भी अपलोड कर सकते हो। पब्लिकली करना चाहो पब्लिकली करो, अनलिस्ट करके करना चाहो अनलिस्ट करके करो, बस उसका लिंक जो है ना, आपने जो वेबसाइट के ऊपर रजिस्ट्रेशन किया था इस इंटर्नशिप के लिए salosh.co.in, उस पे अपने अकाउंट के अंदर आपको जाना है, और उस अकाउंट के अंदर पेस्ट यूआरएल का ऑप्शन आ रहा होगा, ठीक है। तो जहां भी आप वीडियो को अपलोड करेंगे उसका यूआरएल जाके अपने अकाउंट पे पेस्ट कर देना, जैसे ही आप अप्लाई करोगे उसके बाद आप सर्टिफिकेशन ले सकते हो। बात समझ आई, बात समझ आई। इस डिटेल प्रोसेस के लिए आपके ग्रुप पे एक वीडियो भी आ जाएगी, ठीक है, जिसके अंदर पूरा प्रोसेस समझाया गया। अब हम पहले इन 12 टॉपिक्स को लिख लेते हैं, ठीक है, फटाफट से लिख लेते हैं, और सारी जो प्रोसीजर है ना वो प्रोसीजर आपको ग्रुप के अंदर पता लग जाएगा। पहला टॉपिक है अपना गोल सेटिंग, पहला टॉपिक क्या है लिख लो कहीं पे, गोल सेटिंग। और इस पे कंटेंट कैसे बनाएंगे भाई, मैं बैठा हूं, पब्लिक स्पीकिंग कैसे करनी है वो मैंने बता दिया, गोल सेटिंग पे हम मतलब इन चीजों पे जो टॉपिक्स आपको दूंगा, यहां पे कंटेंट कैसे बनाना है इसके ऊपर बात करने वाले हैं अभी, होल्ड ऑन। पहला टॉपिक क्या है अपना, गोल सेटिंग। दूसरा टॉपिक है रिच वर्सेस पुअर माइंड, रिच वर्सेस पुअर माइंडसेट। अबे बाकी के लोगों ने क्या, बाकी के लोग दुल्हने हैं क्या यहाँ पे, जो अपना कैमरा ऑन नहीं कर सकते, अपनी शक्ल नहीं दिखा सकते, मैं उनकी सास हूं है, मैं बुरा मान जाऊंगी, ऐसा है क्या भाई, कर लो कैमरा ऑन, हमें भी फील हो जाए कि हम इंसानों से बात कर रहे हैं, पिछले एक घंटे से इस डब्बे से बात कर रहे हैं, लैपटॉप से। हमें भी तो देखने का मौका मिलना चाहिए कि नहीं, वो एक रील बहुत वायरल हुई थी दया भाभी की, हमें भी तो देखने का मौका मिलना चाहिए कि नहीं, तो वही वाली बात है। चलिए गोल सेटिंग, दूसरा क्या है रिच वर्सेस पुअर माइंडसेट, तीसरा पॉइंट है फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल लिटरेसी। चौथा पॉइंट है, चौथा टॉपिक है फियर ऑफ फेलियर। पांचवा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। छठा पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। सातवां लॉ ऑफ एवरेज। एट्थ पॉइंट इज फियर ऑफ सक्सेस। सक्सेस का भी डर होता है सर, हाँ बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, इसके बारे में भी आपको पता लगेगा। नाइन्थ पॉइंट इज परेतो प्रिंसिपल, PAR ETO परेतो प्रिंसिपल। टेंथ पॉइंट इज इंपॉर्टेंस ऑफ पर्पस ऑफ योर लाइफ। नहीं नहीं तरंग पटेल, ये सब पॉइंट्स पे वीडियो बनानी है, नहीं भाई, इनमें से कोई एक चूज करना है, कोई भी एक आपकी पसंद का, ठीक है, बताऊंगा इस पे कॉन्टेंट कैसे बनाना है। इलेवेंथ पॉइंट इज पैसिव इनकम, क्या पैसिव इनकम।
इसके अलावा टाइम मैनेजमेंट, और लास्ट है पेशेंस. क्या? पेशेंस. जैसे अभी बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं सर ड्यूरेशन क्या होना चाहिए, सर ये क्या होना चाहिए, पेशेंस. रुको जरा, सबर करो. ठीक है, अब बात आती है कहां से कंटेंट बनाओगे बॉस. अभी शुरुआत कर रहे हो ना, शुरुआत ही तो कर रहे हो, अभी पहली बार कर रहे हो ऐसा कोई काम, पहली बार ऐसा कुछ आप अपने ऊपर करने वाले हो. तो भैया अपने टॉपिक को जाके यूट्यूब पे लिखो, 5 से 6 वीडियोस देखो, उसके अंदर से कुछ पॉइंट्स, कुछ कंटेंट, कुछ निकाल लो. कोई दिक्कत नहीं है. देयर इज नो नॉलेज इज न्यू नॉलेज, नो नॉलेज इज न्यू नॉलेज. कहीं ना कहीं से किसी ना किसी किताब से उन्होंने भी सीखा है, जो जिनकी वीडियो आप देखेंगे, और उसमें से कुछ पॉइंट्स आप निकाल के अपने तरीके से प्रस्तुत कर सकते हो, वीडियोस देख सकते हो. सेकेंडली आप क्या कर सकते हो, ब्लॉग्स पढ़ सकते हो, वहां से कंटेंट निकाल सकते हो. अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है कि कितना प्रोफेशनल लेवल का आपने बनाया, मेरे को बस ये चाहिए कि आपने अटेम्प्ट किया क्या. बस हमें प्रोफेशनलिज्म नहीं चाहिए भाई, हमें पता है कि हमने कैसे स्टार्ट करी थी. आपने मेरी स्टार्टिंग देखी है क्या? आप मेरी स्टार्टिंग देखना चाहोगे क्या? थोड़ी सी मेहनत करना, नीचे जाना मेरे इंस्टाग्राम पे, एक रील मिलेगी आपको, 19 सेकंड की रील है बस. ठीक है, अभी मेरे ख्याल से 1 महीना भी नहीं हुआ उसको डाले हुए, आपको दिख जाएगा मैंने कितना छोटे सेटअप के अंदर मैंने शुरुआत करी थी. ठीक है, देख ही लो यार कहां तुम मेहनत करोगे, दिखाई देते हैं तुम्हें. यहां से हुई थी भैया शुरुआत. क्या आप चाहते हैं? चला दिया हाँ? वीडियो अपनी खुल जाता है, फोटो में जूम हो जाता है. ए ए ए सर पे लात मत मारना. समझ आ गई? नीचे चप्पल ऊपर फॉर्मल. समझ आ गई बात? हाउ आई स्टार्टेड एंड हाउ द गेम इज नाउ. बहुत छोटी सी शुरुआत, सिर्फ कैमरा रखो और अपने अंदर से वो डर को निकाल फेंको. अगर आपने ये काम कर दिया तो मेरे भाई आप आगे तक हमारे साथ काम कर सकते हो, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वॉल्व किए जाओगे. इसके बारे में जो ज्यादा जानकारी है कि आप मेरे साथ पर्सनली कैसे काम कर सकते हैं, जिस किसी इंसान के थ्रू आप इस इंटर्नशिप के अंदर कनेक्ट हुए हो उनसे आप बात करो, वो आपको प्रॉपरली बताएंगे. बस मैं इतना बता सकता हूं कि बहुत जल्दी मैं एक वेबिनार करने वाला हूं जिसके अंदर बहुत डिटेल्ड प्रैक्टिकल नॉलेज दूंगा. उसकी डेट अभी तक फाइनलाइज नहीं है, बहुत जल्दी मैं बता दूंगा इसके बारे में भी. ठीक है, क्योंकि अभी एक गाने का और शूट होने वाला है, तीसरा गाना मेरा लॉन्च करने वाला हूं, 5 तारीख को शायद मैं निकलूंगा उसके लिए, तो उसकी शूट पे, तो उसकी डेट आ जाएगी. उसके अंदर मैं ये बताऊंगा कि आप सिर्फ 20 से 25 दिन के अंदर हमारे साथ काम करके महीने का एटलीस्ट 30,000 से 35,000 रुपए कैसे जनरेट कर सकते हैं. मतलब दिसंबर 31 तक आप बड़े प्यार से 30,000 से 35,000 रुपए कमा लोगे. ठीक है, तो उसके लिए आपको हमारे साथ काम करना, लेकिन काम आप तभी कर पाओगे जब आप वीडियो क्रिएट करके दोगे, आप अपना कुछ पोटेंशियल दिखाओगे. ठीक है, और अगले 24 घंटे आपके पास, कैसी भी वीडियो बनती है डजंट मैटर. ठीक है, बट आप कोशिश करो, क्योंकि हम जब वीडियो बनाते थे ना, एक वीडियो को अपलोड करने से पहले अगर 60 बार भी वीडियो बनानी पड़े, 600 बार भी वीडियो बनानी पड़े, डू इट भाई, डू इट, इट इज वर्थ इट. कल की डेट में जो पैसा आएगा ना, सिर्फ यूट्यूब से लगभग $7,500-8,000 कमा लिए अभी तक टोटल. ठीक है, वो कल दिखाया था मैंने बहुत सारी चीजें. ठीक, तो लेट्स डू इट. कितने लोग कर लेंगे? सारे बोलो, जोर से बोलो, आवाज नहीं आई, मैं नहीं सुनया. पक्की बात है? क्या बात है यार, एक्साइटमेंट जबरदस्त जबरदस्त. आप मेरे साथ आओगे ना तो आपको लॉन्ग टर्म पे बहुत सारे चैलेंजेस ऐसे मिलते रहेंगे. मैं ना गारंटी, अच्छा एक चीज और बोल दूं, मैं नहीं लेता गारंटी कि आप मेरे साथ काम अगर करोगे, लॉन्ग टर्म में काम करोगे, तो आपके पास गाड़ी घोड़ा बंदूक आ जाएगा, आप बहुत सारा पैसा कमा लोगे. मैं नहीं लेता. मैं एक चीज की गारंटी लूंगा, ट्रांसफॉर्मेशन की. किस चीज की गारंटी लूंगा? ट्रांसफॉर्मेशन की. आज आप जो हो और 6 महीने बाद आप जो होगे, आप पीछे पलट के देखोगे अपने आप को, आप अपने आप को नहीं पहचान पाओगे, आपको समझ ही नहीं आएगा कि मैं क्या था और मैं क्या बन गया.
और मैं कहता हूं आप एक भी रुपया नहीं कमाओगे भाई, क्योंकि आज शायद हो सकता है कि आपका जो पोटेंशियल है, आप जिस तरह के इंसान है, शायद वो डिजर्व ही नहीं करता, बी डिजर्विंग देन डिजर्व वाला सीन होता है। 6 महीने बाद जो आप बन जाओगे ना, वो अपने आप सारी चीजें ले आएगा, पैसा दौलत शोहरत सब ले आएगा, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। मैं 4 साल पहले क्या था, मैं आज क्या हूं, उसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है। तो इसके लिए आपको पहला स्टेप लेना है अपना, अपने डर को कहो कि पीछे मुड़। ये जो डर और पैसा है ना, ये जानी दुश्मन होते हैं, इसका भी साथ में नहीं आते। आपने कोई भी ऐसा इंसान जिंदगी में देखा है जो भाई बहुत अमीर हो लेकिन डरपोक हो, बहुत अमीर हो, बहुत पैसा कमाए लेकिन बहुत बड़ा डरपोक हो, चीजों से डरता हो? नहीं देखा ना। डर और पैसा बहुत बड़ा दुश्मन है। आप डिसाइड करो क्या चाहिए, डर चाहिए पैसा चाहिए? अगर पैसा चाहिए तो भैया डर को बोलो पीछे मुड़ और पिछवाड़े पे एक दो तेज से लात और जिंदगी भर के लिए उसको अपनी जिंदगी से निकाल दो, पैसा ही पैसा होगा, ठीक है। टेक केयर, गुड नाइट, आई विल बी वेटिंग फॉर योर वीडियोस, टैग मी ओवर इंस्टाग्राम, आप टैग करके बता सकते हो, ठीक है, आप पोस्ट कर सकते हो, आप यूट्यूब पे डाल सकते हो अनलिस्ट करके, आप जहां मर्जी डालो, बस उसके लिंक को जो है सलोश की वेबसाइट पर डाल देना, सो दैट हम आपको सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कर पाए। ऑलराइट, आई विल सी यू वेरी सून इन द ट्रेनिंग सेशंस, लॉन्ग टर्म में अगर हम काम करते हैं। टिल द टाइम प्ले बिग, बड़ा खेलते हैं, टेक केयर।